रिकॉर्डिंग ब्लिप आ गया सामने। यस सर। हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ हैं अयाज जरगाम, जो 1AFSB देहरादून से रिकमेंड हुए इस साल, फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए हैं, AFCAT एंट्री से आते हैं ये। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अयाज, कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अचीविंग दिस वंडरफुल फीट। एंड आपसे हम सुनना चाहेंगे और ताकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सको, विच विल हेल्प दी मेनी कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दी SSB, कि आपने अपनी तैयारी कैसे करी। खासकर आप फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रिकमेंड हुए, और फर्स्ट अटेम्प्ट हर एक कोई चाहता है कि वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकमेंड हो जाए, तो यू आर मेनी पीपल विल वांट टू, मेनी स्टूडेंट्स विल वांट टू बिकम लाइक यू। तो आई आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। तो आयाश, तुम बताओ, पहले तो तुम अपने नाम का मतलब बताओ, आयाश शब्द का मतलब क्या है? सर आयाश इट मींस नाइट ब्रीज। नाइट ब्रीज, ठीक है। आप तो आयाज दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में हमें नाइट ब्रीज की काफी जरूरत है, पर मिलती नहीं है, गर्मी बहुत हो रही है हमारे यहाँ पर, ठीक है। बट एनीवेज काफी, तो आयाज सबसे पहले तुम ये बताओ कि SSB के जो तुमने अलग अलग जो स्क्रीनिंग देखा, तुमने अलग अलग टेस्ट दिए, पहली बार में रिकमेंड हुए हो, तुम्हें सबसे टफेस्ट पार्ट क्या लगा है SSB का? सारे टफ लगे हैं, नॉर्मल लगे हैं, एवरेज लगे, कि कोई पर्टिकुलर पार्ट ज्यादा टफ लगा है? सर एज सच कोई मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ टफनेस थी या कुछ ऐसा एकदम आउट ऑफ द ब्लू आ गया, क्योंकि ऐसी थी कि दे वर लाइक असेसिंग आवर पर्सनैलिटीज एंड तो उसमें मैंने कुछ ऐसा प्रिटेंड नहीं करा कि लाइक इफ आई वर बी लाइक द पर्सन हु इज प्रिटेंडिंग समथिंग कि नहीं मुझे अपने आप को एक ऐसा चेहरा लगा के रखना है या ऐसा मतलब ऐसा ही शो करना है, तो इट माइट वुड हैव बीन लाइक टफेस्ट थिंग। लेकिन ऐसे नॉर्मली सर फ्लो फ्लो में तो पता भी नहीं चला कि अच्छा क्यों, अच्छा जब उन्होंने लाइक दे कॉल्ड माय नेम तो आई वाज लाइक ओके ठीक है मैं का मतलब बिल्कुल लाइक ऐसा था कि लाइक माय चेस्ट नंबर वाज 16, तो उन्होंने कहा जब लाइक फाइनल रिजल्ट जब दे रहे थे तो लाइक उन्होंने सबसे पहले अनाउंस करा चेस्ट नंबर 7, तो मैंने कहा ठीक है चेस्ट नंबर 7 हो गया, अब देखते हैं अब कौन जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा चेस्ट नंबर 16, मैंने कहा अच्छा चेस्ट नंबर 16 हो गया, अब देखते हैं कौन जाएगा। फिर आई वाज लाइक कि चेस्ट नंबर 16 जा क्यों नहीं रहा है। सही है, सही है। तो आयाज मतलब SSB की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम्हें क्या लगता है? कोई अगर नया बच्चा तैयारी कर रहा है तो तुम उसे क्या रिकमेंड करोगे कि इस फैक्टर से स्टार्ट कर? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले कि आप अपने आप को जानना शुरू करें कि मतलब आप एक्चुअल में हो क्या चीज, क्योंकि अगर आप अपने आप को ही नहीं जानते कि आप क्या हो, आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, आप किस चीज में स्ट्रांग हो किस चीज में वीक हो, तो आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक तरह से सर मतलब एक तरह से हम अपने आप को वहाँ एक तरह से हमने शेल्फ पे रख दिया अपने आप को, मतलब देखो हम ये हैं, तो लाइक हमें कन्विंस करना है कि लाइक व्हाई दे विल टेक अस। और अगर हम अपने आप को ही नहीं जानते तो लाइक हाउ विल वी कन्विंस देम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर माय साइड इज कि लाइक अपने आप को जानना शुरू करा जाए सबसे पहले। तो आयास तुमने पहले ही नींव रख दी है इस वीडियो की, कि सबसे पहले अपने आप को जानना शुरू है। तो कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई स्टार्ट कर सकता है अपने आप को जानना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने, या जिसको हम सोलिलोक्वी कहते हैं, अपने आप को समझने के लिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हर एक्शन जो भी हम कर रहे हैं ना, कि हम दूसरे से डिमांड करते हैं कि सामने वाला कोई एक्शन कर रहा है तो उसका रीजन क्या है, लेकिन हम बहुत कम होता है कि हम अपने आप से डिमांड करते हैं कि हम जो चीज कर रहे हैं हमारा रीजन क्या है। कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लाइक कई बार ऐसा होता है कि आप किससे पूछो कि सारा दिन क्या करा, कि नहीं कुछ नहीं करा, ऐसे ऐसे फिल्म देखी और लेट आ रहा, कि क्यों मतलब व्हाई वर द बस आई वाज फीलिंग लाइक इट। सो सर आई वाज फीलिंग लाइक इट इज नेवर द रीजन एंड वी नेवर डिमांड रीजन फ्रॉम आवरसेल्व्स। तो लाइक तो सबसे पहले कि हम कुछ भी एक्शन कर रहे हैं अपने लिए, तो इफ यू आर फीलिंग लाइक इट व्हाई आर यू फीलिंग लाइक इट, मे बी लाइक दिस समथिंग सम इंसिडेंट एंड मे बी यू आर फीलिंग लो बिकॉज ऑफ सम रीजन, समबडी हैज सेड समथिंग टू यू। तो लाइक हम अपने आप से रीजन डिमांड करने शुरू करें सबसे पहले, तो लाइक इससे हम अपने आप को जानना काफी बेहतर शुरू करेंगे। तो वही है। और दूसरी चीज है एबिलिटी, अच्छा ठीक है, गो अहेड बताओ। यस सर, द सेकंड थिंग आई वाज सेइंग कि लाइक when we interact with people like तो उनसे भी हम मतलब काफी फीडबैक आता है कि यस सर। नहीं तो फीडबैक वाला फैक्टर तुमने बोला कि फीडबैक आता है,
ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में हेल्प करता है सर काफी, कि ऑफ कोर्स सर सामने से कोई एकदम आके नहीं कहता कि यार तू तो ये बहुत बुरा इंसान है, तेरे में ये कमी है। फीडबैक जो हम मतलब रीड करना पड़ता है कि अच्छा कि सामने वाला मेरे किस सेक्शन पे क्या किस तरीके का रिस्पांस दे रहा है, मैं उसको किसी चीज के लिए बोल रहा हूँ तो उस पर कैसे रिस्पांस दे रहा है, तो लाइक ये काफी काफी रीड करना पड़ता है कि सामने वाले को, तो उसमें फिर काफी हेल्प मिलती है कि मतलब कब सामने वाला तुम्हें बुला रहा है किस चीज के लिए, कब सामने वाला तुम्हें नहीं बुला रहा, कौन सी सिचुएशन में जिसको तुम्हें वो तुमसे हेल्प ले रहा है, तो इसका मतलब यू आर गुड एट दीस दोस थिंग्स जिसमें वो तुमसे हेल्प आके ले रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजों से खुद पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा आप किस तरीके से किस में बेहतर हो, किस में आप थोड़े वीक हो। ठीक है, जैसे तुमने अभी बोला कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हमें अपने पास्ट में जाकर, खासकर आई थिंक जो तुम कहना चाह रहे हो कि PIQ में जो हम हर चीज मेंशन करते हैं, चाहे हम अपने परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस सबको पीछे जाकर देखना चाहिए हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं, और लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी से कोशिश करनी चाहिए व्हाट वर द रीजंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आकर अयाज ये कहते हैं कि हम ये कर नहीं पा रहे हैं, हमें सिर्फ 4 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, हम इसको कर नहीं पा रहे हैं। नेगेटिविटी को एम्ब्रेस करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जहां पर कहीं भी 12th में नंबर कम आए या फेल हुए हैं, तो इन कैंडिडेट्स के लिए क्या, जिनको शुरू में ही हताश हो जाते हैं 5 या 6 दिन करके या 10 दिन करके कि हो नहीं पा रहा है या नेगेटिविटी को एम्ब्रेस नहीं कर पाते, व्हाट शुड दीज कैंडिडेट्स डू? So, what they think, there is a definition of perfection, ke every person should be perfect in all this way. Lekin, sir, I do not think that koi aise definition hai jisse aap perfect define karo. Everyone comes with this own flow. I was reading one book and there was this one line that everything comes with its own punishment. Correct. We all have this. So, aisa nahi hai ki matlab ke kisi mein negativity nahi hai. मैं ये कहता हूँ कि मतलब जिसको भी आप अपना आइडियल समझते हो आप उस पर्सन को उठा लो, आपको लगता है कि उसमें कोई नेगेटिविटी है नहीं, लेकिन हर इंसान में किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई पार्ट उसका नेगेटिव है। और जो अलग चीज है कि उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे में ये नेगेटिव चीज है, लेकिन आप उसके बारे में कर क्या रहे हो। Correct. अब एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना, इट डज नॉट मीन कि लाइक हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि आई एम लेजी एंड मेरे में ये नेगेटिव चीज है, अब मैं लेजी हूँ तो हूँ। दैट्स हाउ वी शुड नॉट एम्ब्रेस इट, लाइक एक्नॉलेज करके उसको सही करना है। मतलब ये नहीं कि मैंने एम्ब्रेस कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मैं लेजी हूँ, अब मैं बैठ गया, मैं तो लेजी हूँ। वो तो दैट विल नॉट टेक यू एनीवेयर, फिर वो तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, तो मतलब वो सारी मेहनत काफी खराब हो जाती है। तो अयाज तुम इसी प्रोसेस के लिए जब तुमने ये करना स्टार्ट करा, जैसे तुमने बोल रहे हो कि कितना वक्त लगा तुम्हें करीबन इसे करने में, 5 दिन 4 दिन 3 दिन? सर 4-5 दिन की बात नहीं, 4-5 दिन कोई पर्सनैलिटी ट्रेट छोड़ना है कि आपने एक पेज उठाया, आपने रट लिया कि ये होता है ये होता है। लाइक सर लाइक आई वाज लाइक गोइंग थ्रू योर क्लासेस, तो आई मोस्टली डू रिकॉर्डिंग सर लाइक बिकॉज़ ऑफ द शेड्यूल, तो देयर वर सम स्टूडेंट्स, सर आप मुझे 11 पॉइंट्स बता दो सर क्या होते हो एलक्यू में। बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले ले सर, जैसे वो कहते हैं ना कि कुमार एक घड़े को शेप देता है, लाइक इट्स अ लाइक लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम द लाइक वेरी बिगनिंग फ्रॉम द सोइल फ्रॉम द क्रस्ट यू हैव टू स्टार्ट, उसके बाद धीरे धीरे पूरा बनाने तक सर बहुत टाइम लग जाता है सर। पर्सनैलिटी मतलब अब आप ये नहीं कह सकते आपने 10 दिन का 15 दिन का कोर्स ले लिया और क्या कहते हैं हाँ नहीं अब मेरी पर्सनैलिटी तैयार हो गई है, लाइक बहुत ज्यादा तैयारी को मतलब अपने आप पे स्टार्टिंग से आप वही करो मेहनत, मेहनत से ज्यादा सर इट्स लाइक वही अगेन कि मैं ऐसा क्यों। लक्ष्य मूवी ने इतना सब कुछ दिया है ना, कोई समझना चाहे तो काफी कुछ होता है। अयाज तुमने यहाँ पर बात करी कि मैं ऐसा क्यों हूँ और तुमने AFCAD का एग्जाम भी क्लियर करा। I want to ask you one thing. मेरे को बहुत स्टूडेंट्स मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन जब मेरा CDS निकलेगा 1-1.5 साल बाद फिर मैं तैयारी करूंगा SSB की। ठीक है, क्या ये अप्रोच करेक्ट है कि तुम पहले 2-1.5 साल या 1 साल पूरे एक एग्जाम की तैयारी करो और जब वो क्लियर हो जाए तब SSB की तैयारी करो, कि कुछ चीजें तुम्हें पहले पढ़नी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए SSB के लिए? What do you recommend on this? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ब्रिटेन के बाद SSB की तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप बहुत कम तो उसको मतलब जस्टिस नहीं कर पाएंगे अब उसके साथ, क्योंकि रिटर्न से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो लाइक देयर आर पीपल के जो लाइक 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ के रिटर्न निकाल सकते हैं, आई कैन
बिल्कुल एक्सेप्ट दैट, आई कैन एक्सेप्ट दैट कि हाँ पॉसिबल है और बिल्कुल कर सकते हो आप, 10 दिन 15 दिन आपने पास करा, रिटर्न निकाल दिया। सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे कि किसी कोई बच्चा कैट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसका मैथ्स और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है और वो इंजीनियरिंग बेस से आता है, तो उसका भैया साइंस के उसे 30 क्वेश्चन और कोई एक सब्जेक्ट, थोड़ा भी अगर वो साइंस उसका ठीक ठाक है, 30 में से उस पेपर में उसके 25-26 तुक्के लगे और मैथ्स और इंग्लिश उसने फोड़ दिया, तो चांसेस है ही माइट क्लियर इट। दिस इज एन एक्सेप्शन दो, बट आई थिंक तुम यही कहना चाह रहे हो। वी वोंट रिकमेंड टू डू दैट। यस बट बोलो बोलो। यस सर, तो फिर आप उसके बाद जो मेन आपकी पर्सनालिटी डेट है आप उन पे आप एक महीना भी दे रहे हो, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं रिटर्न के क्लियर होने के बाद मैं एसएसबी की तैयारी करूंगा, तो आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, ना आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हो, ना आप उस टेस्ट के साथ जस्टिस कर रहे हो जो होने वाला है आपका। कि मतलब इतना कम टाइम देना, तो इट्स लाइक नॉट डन। और प्लस द थिंग इज सर, हमारे ना गोल बहुत छोटे हैं, लाइक हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें एसएसबी क्लियर करना है। एसएसबी शुड नॉट बी द गोल ना, लाइक हम एसएसबी क्लियर करके क्या आपको वो पर्सनालिटी आगे कंटिन्यू नहीं करनी है, क्या आपको 20 साल 30 साल 40 साल जितनी भी आपकी जिंदगी है, क्या आपको उसमें अपनाना नहीं है उस पर्सनालिटी को, या सिर्फ आपको 20 दिन आपको एसएसबी क्लियर कर लिया, आपने एक फसाड पुट कर लिया और चलो अब तो ठीक है, तब तो मैं एसएसबी में तो बहुत ज्यादा एक्टिव था, अब तो भाड़ में जाए दुनिया में जैसा मर्जी हो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो अयाज ने बड़ी खूबसूरत बात करी है कि आपका पर्सनैलिटी सुधारने का कारण सिर्फ एसएसबी नहीं होना चाहिए, so that you should be motivated to continue that in life, that you become a better person because this personality will be helping you in the other examination. So jaise tumne apni growth dekhi hai ssb ke dauran aur recommendation, ye jo tumne growth dekhi hai personality ke andar, kya ye different exams mein bhi help karegi, chahe upsc capfo csco, ye jo tumhari aaj ki approach hai? Sir bilkul sir, kyunki jab hum ssb mein matlab आप चाहे कुछ भी कोर्स है, लेकिन आप ना जब आप पहले दिन से 5वें दिन तक आप एसएसबी में जाते हो, वो 5 दिन का जो सर ऐसे चार्ट होता है ना, आप अपने आप से जानते हो, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आप इंटरव्यू देते हो, आप एसडीटी लिखते हो, आप साइक, जब सब हम साइक लिखते हुए ना हमें खुद बहुत सारी चीजें ऐसी अपने बारे में पता चलती है कि जो हमें खुद नहीं पता थी, कि वो एकदम इंस्टेंटली निकल कर आ रही है। तो अब जब हम अब बेटर क्या कहते हैं, हमारा खुद का अंदर से जानना शुरू हो गया, हमें पता है हमें अप्रोच किस तरीके से लेनी है एग्जाम्स में, आगे वाले एग्जाम्स में, कि हम किस तरीके से अपने आप को बेहतर इम्प्रूव करके एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर क्या हमारा एरिया है जिसमें हमें लाइक ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, या मतलब नॉट इन द सब्जेक्ट वाइज बट एट द पर्सनैलिटी वाइज। तो आई फील लाइक कि सर काफी मतलब जब वही वाली बात है कि इम्प्लीमेंट करके हम मतलब लाइक आगे तक चलाएंगे, तो सर एग्जाम्स में भी काफी हेल्प होती है उनमें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये जो लर्निंग तुम्हारी यहाँ से है उसी अगर थॉट प्रोसेस को कंटिन्यू करोगे एनालिटिकल एनालिसिस में काफी हेल्प करेगा। यस सर। तो अयाज मुझे ये बताओ, स्क्रीनिंग के दौरान तुम्हारे जो दो सेक्शन जो मैथ्स रीजनिंग का टेस्ट था वो कितने कितने मिनट्स का था और करीबन कितने सवाल थे? सर ऑलमोस्ट लाइक मुझे एग्जैक्टली टाइम तो नहीं याद, शायद 30 मिनट का दिया था, मोस्ट प्रोबेबली 20 या 30 मिनट से, एंड इट वाज लाइक 50 क्वेश्चन दोनों सेट में। और इतना था। और स्टोरी तुमने टाइम में खत्म करी थी कि टाइम से पहले ही खत्म कर ली थी? सर स्टोरी मेरी खत्म होते होते लाइक टाइम कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि द अप्रोच डाइट लाइक उसमें मैंने एक बारी ना सर व्हाट आई डू यूजुअली इन अदर एग्जाम्स आल्सो बिफोर राइटिंग समथिंग लाइक आई मेक अ माइंड मैप, मतलब कोई से भी एग्जाम में मैं थोड़ा टाइम 30 सेकंड 1 मिनट में सोचता हूँ कि मतलब किस हिसाब से लगना है, तो लाइक तो मेरा टाइम कंप्लीट हो गया था लाइक जाते जाते, तो बचा नहीं था कुछ भी। पर टैट की स्टोरीज में तुम 1 मिनट तो सोच नहीं सकते ना, इतना टाइम थोड़ी होगा। हाँ वो टैट में तो सर टैट में तो इंस्टेंट आता है एकदम लिखना शुरू कर दो। उसमें व्हाट डिड आई डू कि कई स्टोरीज ऐसी होती थी कि जिसको आप टाइम से पहले कंप्लीट कर सकते थे, कई स्टोरीज ऐसे होती है जिसमें टाइम लग जाता है, तो जो स्टोरी मेरी टाइम से पहले जाती है मैं एकदम वापस पीछे जाता था कि उसमें मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कंक्लूजन क्या करना है बट मैंने एक पेपर पे नहीं लिखा वो, तो मैंने उसको मतलब शफल करते करते करा। मतलब जैसे अगर वो 12 स्टोरीज है तो 5वीं स्टोरी पर हो, चौथी थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई और 5वीं तुमने कंप्लीट कर ली, तो जो चौथे का कंक्लूजन तुम्हारे दिमाग में था वो जाके कंप्लीट कर देते। करेक्ट? यस सर। दिस तो ये तो काफी कैंडिडेट्स करते हैं, क्योंकि कुछ स्टोरीज जैसे कि कुछ जो नेगेटिव पिक्चर्स होती है उसमें स्टोरीज बड़ी जल्दी फॉर्मुलेट होती है, न्यूट्रल पिक्चर्स में थोड़ा टाइम लगता है। राइट? तुम्हें कौन सी इजी ज्यादा स्टोरीज लगी, जो पॉजिटिव पिक्चर्स थी या फिर डिजायरेबल पिक्चर्स
या फिर नेगेटिव पिक्चर्स पोर्ट्रे कर रही थी कि न्यूट्रल, इनमें से इजी कौन सी? सर न्यूट्रल, न्यूट्रल में थोड़ा सा मतलब आपको सोचना पड़ता है कि आपको पॉजिटिव लेके जाना है नेगेटिव लेके जाना है। पॉजिटिव में तो दिख रहा है कि अच्छा वहाँ पॉजिटिव चल रहा है तो चलो अच्छा अच्छा सब हैप्पी हंकी डोरी सब मस्त हो रहा है एकदम। नेगेटिव में भी दिख रहा है कि बहुत दिक्कत है, अच्छा ये दिक्कत है ओवरकम करते। न्यूट्रल में किस तरफ जाओगे, कैसे जाओगे, क्या कंक्लूड करोगे, तो वो वाली चीज है। न्यूट्रल टेक्स द मतलब अगर न्यूट्रल किसी के टैट में चार पांच पिक्चर्स आ जाती हैं, वैसे तो एक दो ही होती है, चार पांच आ जाए तो फिर वो टाइम बहुत कंज्यूम करती है बिकॉज बहुत नेगेटिव। ज्यादा टाइम कंज्यूम। और तुम्हारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर ग्रुप डिस्कशन हुआ, तुम्हारा नरेशन ऑफ स्टोरी कैसा रहा? नरेशन ऑफ स्टोरी में कोई डायरेक्शंस दिए थे उन्होंने कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं बोलना है, बोलना है, ऐसा कुछ डायरेक्शन दिया था? नहीं सर कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिए थे, उन्होंने सिंपली कहा कि लाइक कि आप जो है अपना वो क्या कहते हैं करेक्टर डिफाइन करिए अपना स्टोरी, फिर अपनी स्टोरी का नरेशन करिए। तो उसमें नॉर्मली करेक्टर डिफाइन करके, बहुत सारे ऐसे भी थे मतलब स्क्रीन इन वाले बच्चे भी ऐसे थे कि जिन्होंने मतलब जो करेक्टर डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि सर वो होता है कि अंडर द लाइक स्टेट ऑफ प्रेशर तो कई बार एक आधी कुछ छोटी छोटी सी चीज छूट जाती है कि एज नहीं बता पाए करेक्टर के। लाइक माई सेल्फ लाइक did not tell the age of my character while I was narrating the story. जबकि उन्होंने कहा था कि आपको एज बतानी है, तो मेरे से एक वाला पार्ट वहाँ पे एकदम स्किप हो गया था। But my narration was good. Like I completed my narration. They did not stop me. Like it was good, sir. Good, good. और तुम्हारे GD के टाइम पर कितने लोग थे? सर 13 का ग्रुप था। 13 का ग्रुप था। 13 का 13 लोगों का ग्रुप था, ठीक है। और तुम बाकियों की भी स्टोरी सुन रहे थे जो बाकी सब बोल रहे थे? यस सर, सर कंप्लीट मतलब क्योंकि वो ये है कि सब ये होता है कि लाइक अगर मैं बाकी को नहीं सुनूंगा तो ग्रुप डिस्कशन में बहुत कम मेरा वो आएगा पार्ट, करेक्ट करेक्ट क्योंकि करेक्ट अगर मैंने मुझे अपनी तो पता ही है और मैंने अपनी नरेट भी कर दिया तो मैं डिस्कशन में ऐसा नया क्या दूंगा अगर मैंने बाकी की नहीं सुनी, तो वाली चीज है। तो आया जैसे काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे की स्टोरी नॉडिंग तो करते रहते हैं, हेड की स्टोरी नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो सर इसका एक सर एक डिसएडवांटेज क्या है अगर तुम स्टोरी नहीं सुनोगे? जैसे तुमने बताया ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट ही नहीं दे पाओगे और तुम्हें ये भी नहीं पता लगेगा कॉमन स्टोरी क्या बन रही है। वही सर, देयर वाज दिस वन गाय आल्सो, यू सेड ना नॉडिंग वाला तो आई रिमेंबर एकदम। सो देयर वाज दिस वन गाय एंड ही वाज लाइक मैंने कहा मतलब अलग ही, मतलब मैंने कहा कान से ज्यादा सुन रहा है भाई, तो बॉडी लैंग्वेज से सुन रहा है वो, बट आई डू। और फिर बीच बीच में ऐसे अपना एसएसआर को देखा मैं कहा एसएसआर को क्यों दिखा रहे हैं, उसे पता है। यार बहुत नौटंकी आते हैं ऐसे। तो तुम्हारे ग्रुप ग्रुप डिस्कशन के अंदर फिश मार्केट बना था कि एवरीबॉडी गॉट अ चांस टू स्पीक? Completely fish market, sir. Or like completely fish market. And like there was this other guy. ये fresher था, fresher match में। Complete fresher match, yes sir. तो sir like in like screening part पे my chest number was 25 and जो 26 था like we were like sitting together. आया थोड़ा हिंदी में बताओ ताकि सबको पता लग सके, because mix करके बताओ, ठीक है? सही sir. हाँ. तो लाइक जो मेरे बराबर में था चेस्ट नंबर, तो हम बाद में स्क्रीन जब हमारा डिस्कशन हो गया हम बाहर आके डिस्कस कर रहे थे, तो लाइक हम दोनों डिस्कस जब कर रहे थे तो कह रहा कि भाई हमारा तो पूरा बैच बाहर जाएगा। मैंने कहा मुझे भी यही लग रहा था सर, क्योंकि किसी ने किसी की सुनी ही नहीं सर, 1% नहीं सुनी किसी ने। मतलब ऐसा हो गया कि डिस्कशन नहीं था वहां पे, ऐसे बैटल फील्ड थी कि जो बोल गया वो जीत गया बस वाली चीज थी। मतलब नो सर उसका रीजन ये था कि मतलब हमारा कोई कॉमन ग्राउंड हाई नहीं पाया जिसमें हम मतलब डिस्कशन कर पाते। तो फिर उसने वो यही करा, मतलब एक आधा पॉइंट दूर लिया, फिर मतलब उसने एक कंप्लीट स्टोरी सुना के दे दी। तो लाइक वही उसके मेरा काफी डिस्कशन हुआ लाइक, और उसके बाद लाइक लास्ट तक हम साथ चले वॉर में, क्योंकि लाइक मेरा चेस्ट नंबर वाज 25 उसका 26, फिर जब हम स्क्रीन हो गए तो मेरा 16 उसका 17, तो लास्ट तक हम लोग मतलब मेडिकल तक हम बिल्कुल साथ थे, और मेडिकल भी हम दोनों सेम ही चीज पे आउट हो गए। तो हमने कहा मैं हम दोनों सोलमेट है और कोई नहीं है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आयास की बात को, आप ये ना सोचने लग जाए कि तुम कॉमन स्टोरी नहीं सुनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। आयास हैज ऑलरेडी मेंशन कि इनके ग्रुप की कॉमन स्टोरी बन ही नहीं पाई, एंड दैट इज व्हाई ही स्टूड अप और जो जो पॉइंटर्स उसको बाकी होके मिले उस पे मर्ज करके बोल दी अपनी स्टोरी के साथ, करेक्ट आयास? यही हुआ ना? यस सर। हाँ, तो अब ये मत सोच रहा कि मैं वहां पर जाकर
अब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा, कॉमन स्टोरी आपकी बनती है वही सुनानी होती है, वही एक्सपेक्टेड होता है और वही डायरेक्शंस आपको मिलेंगे. तो प्लीज लिसन टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द असेसर्स आउट देयर, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आगे फिर से बताता हूँ, रिकमेंडेशन इज नॉट बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर थिंग बट ऑल दी फैक्टर्स. तो अयाज आगे बढ़ते हुए, साइकोलॉजी के अंदर तुमने करीबन हर में टैट की तो 12 स्टोरी करी होंगी, वैट और एसआरटी में कितने कितने करे? सर एसआरटी में से मैंने 60 में से ऑलमोस्ट 45 करे थे, वैट मेरे सारे हो गए. वैट सारे हो गए थे? यस सर. ठीक है, क्योंकि सर एकदम इंस्टेंट आ रहा था, मैं इंस्टेंट एकदम देख के, कुछ सोचना ही नहीं होता. अगर आप सोचने बैठोगे वैट तो आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर वैसे तो अगर आप इंस्टेंट लिखोगे हो जाता. ठीक है, अब मैं ऐसा कोई एसआरटी जो तुम्हें लगा हो कि दिस वाज अ गुड एसआरटी, ये मतलब ये टाइम टेस्टेड एसआरटी था, क्योंकि ज्यादातर एसआरटी तभी लोग पूरे 60 आउट ऑफ 60 करते हैं जब वो आई कन्विंस ही गॉट कन्विंस, ऐसे वाले लोग मिले तुम्हें? यस सर, बहुत सारे थे सर, लाइक उन्होंने एकदम लिखा यार मैंने तो 60 कर लिए. मैं कहा यार ये क्या. तो फिर सर द थिंग आई रियलाइज्ड ओवर देयर, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द क्वांटिटी ओवर देयर, क्योंकि वहां पे मेरा एसआरटी भी 15 स्किप हो गए थे. प्लस सर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में तो 4 चीजें थी, उन्होंने लास्ट में लिखा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, मेरा वो भी स्किप हो गया था कि मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया. तब तो मुझे ऐसा लग रहा था सर बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, वो ही मिस हो गया कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ. तो बट फिर मुझे सर एहसास हुआ कि मतलब वो तो इंटरव्यू वगैरह में उन्हें पता चल ही गया कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ. तो सर वो क्वांटिटी मांग ही नहीं रहा आपसे, वो कह रहे हैं कि आप दे क्या रहे हो. करेक्ट करेक्ट, द क्वालिटी ऑफ. ऐसा कोई एसआरटी व्हिच यू थॉट दिस वाज गुड व्हिच यू रिमेंबर राइट नाउ? बताओ. एक था वहाँ पे, तो उसमें लिखा था कि आप क्या कहते हैं कि आपके फादर को मतलब पैसों की जरूरत है, बिकॉज ही इज एडमिट इन हॉस्पिटल राइट नाउ. तो आप अपने दोस्त से उधार लेने जा रहे हो, प्लस आपको वहाँ पे पर्स पड़ा मिला एक रास्ते में जिसमें काफी मतलब अच्छा अमाउंट है पैसों का, तो फिर आपने क्या करा उसके आगे? तो सर मतलब ये काफी मतलब एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके फादर के तरफ भी है, मतलब फिर आपकी एक मतलब गुड समेरिटन के एथिक्स ग्राउंड भी है. तो मतलब ये मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब आप किस तरफ फॉल बैक करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर काफी अच्छा एसआरटी पूछा गया, तो इस एसआरटी का आंसर आप सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और जो एसआरटी का आंसर अयाज हु इज अ रेकमेंडेड कैंडिडेट पसंद आएगा, तो ये डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा कि दिस इज अ वेरी डिसेंट आंसर सिमिलर टू माइन. अयाज अपना आंसर यहाँ नहीं बताएगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखना. जैसे कि इसने बताया एसआरटी थी कि इनके पिताजी बीमार हैं, पिताजी को बीमारी निकालने के लिए काफी पैसे की आवश्यकता है, तो ये बाहर जा रहे हैं पैसे लेने के लिए अपने दोस्त से. रस्ते में इन्हें एक पर्स मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और वो नीचे पड़ा हुआ है, तो अब ये क्या करेंगे? करेक्ट, यही था आयास? यस सर. ठीक है, तो आप बताना लिखिए फिर आयास, तुम कमेंट सेक्शन में देखना कोई तुम्हें अच्छा आंसर मिले तो. और कोई एसआरटी? सर एक एसआरटी उसमें ये था कि क्या कहते हैं कि आप अपने दोस्त के लिए पानी लेने जा रहे हैं, आप कैंपिंग कर रहे हैं, आपके दोस्त की तबीयत खराब हो गई कैंपिंग में, प्लस आप पानी लेने गए, जब आप पानी लेने गए तो आप नीचे गिर गए, तो अब आप क्या करोगे? नीचे गिर गए तो मतलब? फिर मतलब ब्रिज क्रॉस करते हुए नीचे गिर गए ऐसे. अच्छा, अच्छा. पिट में. तो अब आप क्या करोगे? अच्छा, पिट के अंदर तो, पानी भरा हुआ है? नहीं मतलब वैसे था मतलब एक पिट था जो पानी का नहीं था, पानी लेकर आ रहे हो, गड्ढा है, आप गड्ढे में गिर गए. अच्छा, गिरे हो तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो बताना भैया क्या आंसर होगा इसको कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली प्लीज टेल. ओके, तो अयाज मूविंग ऑन, टैट की पिक्चर्स का बेसिक थीम क्या था? मतलब अर्बन था, एग्रीकल्चर वाला ज्यादा थीम था? ऐसे अभी मैंने ऋषिका का इंटरव्यू करा तो ऋषिका मुझसे कह रही थी कि सर मेरे वाले टैट के अंदर दो तीन पिक्चर को छोड़ के ज्यादातर पिक्चरें गांव की बहुत दिखाई गई हमें. तुम्हारे यहाँ पर थीम मिक्स था कि कहीं की ज्यादा थी? सर मोस्टली मेरे में ना स्कूल का सेटिंग ज्यादा था, मतलब 4 ऐसे थी जो स्कूल और कॉलेज के सेटिंग पे बेस्ड थी. मतलब 4 या 5 पिक्चर ऐसे थी, फिर बाकी डिफरेंट डिफरेंट थी. तो मुझे ऐसा लगा कि उसी पे बेस थी सारी मेरी, मोस्टली स्टोरीज भी सर सेम ही रह गई थी, तो मुझे ऐसा हो गया था कि मेरी तो सारी ऑलमोस्ट सेम ही जेनेरिक सी स्टोरी जा रही है. ठीक है ठीक है, तो इसका जो बेसिक थीम है जैसे ऋषिका के इंटरव्यू में हमने देखा था एग्रीकल्चर है, इसका स्कूल थोड़ा सा अर्बन मिक्स था इसका. ठीक है, एंड वैट की, टीएटी की, एसआरटी की, इन सब की तुमने प्रैक्टिस कैसे करी? और पहली बात तो प्रैक्टिस करी कि नहीं करी? सर प्रैक्टिस करी मैंने, लाइक मैं आपकी क्लासेस ली. सब बिल्कुल जरूरी है सर, वहां नहीं तो जाके एहसास होगा कि मतलब अब क्या लिखना है, वहां चलता ही नहीं सर एकदम दिमाग. इट्स लाइक तो वो सिचुएशन है कि द मोर यू स्वेट इन
प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। हाँ वही वही। तो तुमने कैसे करी प्रैक्टिस? सर लाइक जो आपका सर एसएसपी वाला कोर्स था सर, उसमें से मैंने देखी, प्लस प्लस उसके साथ साथ मैं देखता था सर रिकॉर्डिंग था, लेकिन सर मैं ना मैं मोस्टली रिकॉर्डिंग 1.5 की स्पीड पे देखता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसी पे करना है, मतलब मैंने उसमें भी टाइम छोड़ा नहीं कर, मैं कहा इसी टाइम पे सोच के इसी टाइम पे लिख के देनी है। प्लस फिर मैंने गूगल गूगल पे काफी इमेजेस सर्च करी, मतलब वेबसाइट पे बहुत सारे मिलते हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर मेरे ख्याल से 70-80 पिक्चर्स तो पड़ी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप नहीं भी कर पा रहे प्रैक्टिस, तो एटलीस्ट देख लिया जाए एक बार क्या है, मतलब सोच लिया जाए, मतलब एक बार हो तो, मतलब हम जिस में जा रहे हैं सर, जिस लड़ाई के लिए हम जा रहे हैं, उसको हमें बेटरली नहीं पता कि क्या चीज है, तो कैसे चलेगा। तो अयास जब तुम ये प्रैक्टिस करने लगे, तो मैंने काफी सारे प्रीवियस कैंडिडेट जो रिकमेंड हुए उनसे बात करी, वो सब ये कॉमन कहते हैं कि सर एक स्टेज आती है जब तुम टीवी में देख रहे हो तो और कोई वर्ड दिखता है तुम्हारे दिमाग में सेंटेंस बनता है, तुम पिक्चर देख लेते हो तो तुम्हारे दिमाग में स्टोरी बनती है। क्या तुम भी इस फेज से गुजरे? यस सर, लाइक और सर एक स्टोरी नहीं, एक पिक्चर देखते तो सर चार स्टोरी निकल के आती दिमाग में एकदम। अच्छा ये 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 करेक्ट, एंड देन यू कैन चूज, ठीक है। यस अब सर, मेरा सवाल तुमसे ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जिनको 3 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 7 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, और वो कोई फलाने किसी कोचिंग सेंटर से जहाँ पर ऑलरेडी 50 पिक्चर्स के साथ स्टोरी लिखी होती है, तो वो जब उन अप्रोच के बच्चों से मिलता हूँ, उनको बताने की कोशिश करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हमको ना स्टोरी का आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा, स्टोरी का आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले किसी बुकलेट से देखा है। तो इन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए कि टाइम लगेगा? मुझे लगता है, बोलो बोलो। मुझे लगता है कि अगर आपको स्टोरी का दिमाग में नहीं आ रहा आइडिया, कोई बात नहीं, आप पेन लेके बैठ जाओ, स्टोरी देख के कुछ भी आ रहा है, आपको एज समझ में आ रही है करेक्टर की, एज लिखिए, मूड समझ में आ रहा है, मूड लिखो। सर हम, मुझे ऐसा लगता है सर इंडियन हाउस होल्ड, हम ये नहीं कह सकते कि आइडिया दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि वी ऑल आर स्टोरी टेलर फ्रॉम द लाइक वेरी बिगनिंग। के मम्मी मैं ना आज उधर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ना मैं ये वाला चीज हो गया, फिर पापा कहाँ थे, अच्छा पापा मैं तो दोस्त के घर था, उसकी मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो मतलब तो सर वी ऑल आर स्टोरी टेलर। तो इंडियंस आर गुड विद एक्सक्यूजेस, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइमिंग, एंड वी आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। तो यहाँ पर अयाज आपको कह रहा है कि कहानियों की कमी नहीं है, बस कहानियों को ढूंढना है। और तुम्हारे कोई टैट की स्टोरी थी जो ऐसी कोई भी कहानी जो तुम्हारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से मैच करती थी? यस सर, काफी सर ऐसी थी कि मतलब दो चार स्टोरीज ऐसी आई थी जो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल मतलब काफी मेरे से सिमिलर है, कि लाइक सर माय फ्रेंड उसमें ऐसा था, लाइक एक लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी में बैठे बच्चे पढ़ रहे थे, तो लाइक इन माय कॉलेज टाइम वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड मी लाइक वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड लाइक स्टडी अलॉट, एंड आई वाज नॉट वेरी गुड एट सब्जेक्ट्स लाइक, तो बट शी लाइक जो दोस्त थी मेरी शी हेल्प मी अलॉट। तो वो मैं काफी सर स्टोरीज मैंने काफी लिखी उसी के बारे में, लिख दी मैंने उठा के, मतलब मैंने अपनी, मैंने कोई बात नहीं, मैं जब अपनी कहानी का किस्सा सुना, मैं अपनी कहानी किस्से सुनाता हूँ, मैं टैट में ही कराया। सही है। तो यहाँ पर आयास बेसिकली मेंशन कर रहा है कि अगर आपकी कुछ लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरीज आती हैं जो आपके डिजायरेबल कैरेक्टर की तरफ मूव कर रही है, तो वो इजी है, और वो ही कैरेक्टर वो देखना चाह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में क्या करा है। बट ऑब्वियसली आयास ऐसी सिर्फ 3, 4 या 5 पिक्चर होंगी, 12 की 12 तो ये हो नहीं सकती है सब एक सब जगह, तो बाकी जगहों पर आपको क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, तो दैट विल हेल्प। और जैसे इसने कहा कि साइकोलॉजी की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका हाथ चले, तो करीबन कितना टाइम पर डे तुम देते थे आयास जब तैयारी कर रहे थे एसएसबी की? सर रिटर्न में मैं मोस्टली मतलब 1 घंटा तो देता ही था, मतलब जिस दिन टाइम नहीं मिल पाता था मुझे, मैं उस दिन 20 मिनट 15 मिनट, मतलब ऐसा नहीं होता था कि स्किप नहीं करता था, मैंने कहा 10 मिनट दे दो, और कुछ भी नहीं कर पाता तो मैं मतलब एक बार गूगल पर जाके एसआरटी देख लेता था, मैं मतलब माइंड में ही करता था, अच्छा ये ऐसे तो नहीं लिखता नहीं था, तो वही करेक्ट करेक्ट गॉट इट। तो जो तुम ये तुमने PIQ पहली बार देखा होगा, तो जो तुम्हारा PIQ है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, SSB की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में और SSB की प्रिपरेशन के एंड में, SSB जाने से पहले, उसके अंदर काफी चेंजेस आए सेल्फ डिस्क्रिप्शन PIQ में, अपने आप को समझने में, कि जो सबसे पहला PIQ बनाया था वही था, कि चेंजेस करें उसके अंदर बेटर बनाया PIQ को? सर बेटर करा मैंने PIQ, मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं दे पाया मैं, लेकिन स्टार्टिंग का जो PIQ था और जो बाद का PIQ था उसमें डिफरेंस था। और मोस्टली सर जो मैंने चीजें देखी ना PIQ के लिए, कि मैं क्लास में सर मैंने कभी आपके वाले नहीं देखे PIQ, जो आप कहते थे कि ये अच्छा PIQ है, तो मैं अच्छे PIQ को स्किप कर देता था, मैंने कहा नहीं देखना, मुझे दिखाओ बेकार PIQ कैसा है।
मैम बेकार पीआई क्यों देखना है मुझे, मैं बेकार पीआई क्यों, जितने सर आपने कहा ना कि ये पीआई क्यों अच्छा नहीं है, ये इस पीआई क्यों में कमी है, मैंने कहा ये देखना है मुझे इसमें क्या है, तो लाइक मैं वो चीज देखी। तो ठीक है, तो देखो अयाज, आज मैं अयाज एक क्लास ले रहा था तो उसके अंदर बच्चे पीछे पड़ गए कि सर एक पीआईक्यू दिखाओ, मुझे पीआईक्यू दिखाओ। तो मैंने बोला यार रेकमेंडेड कैंडिडेट का पीआईक्यू दिखाओ। तो मैंने बोला रहने दो यार, तुम मत करो फिर तुम मोरल डाउन होगा तुम्हारा। बोलते नहीं सर दिखाओ दिखाओ। मैंने कहा वैसे भी पीआईक्यू नहीं देखना चाहिए, मैंने कहा फिलअप। बोलते नहीं सर प्लीज। तो मैंने ऋषिका का इंटरव्यू 2-3 दिन पहले ही लिया था, मैंने उठा के डाल दिया तो देख लो। पूरी ग्रेजुएशन में 90-90% यूएसए स्कॉलरशिप रशिया गई, मोराल गिर गया उनका। बोलते सर ये तो बहुत ज्यादा सही है सर इसका तो। मैंने कहा दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि हर एक का पीआईक्यू डिफरेंट है। फिर मैंने बोला यार मेरे ग्रेजुएशन में 55% थे, ठीक है, 12th में 60s में थे, 10th में भी उतने ही नंबर थे। वी आर ऑल फाइटिंग डिफरेंट बैटल्स। अयाज अपनी एक अलग लड़ाई कर रहा है और उस लड़ाई में जीतने की कोशिश कर रहा है, तो वही है। तो इसी में और अयाज ने देखिए इसने जिन पीआईक्यूज में कमी थी उनमें से भी खूबियां निकाल ली। तो यही एक शानदार कैंडिडेट की और एक राइट अप्रोच की होती है कि किस तरीके से आ रहा है। क्योंकि कई बार बहुत अच्छे पीआईक्यूज भी आपको स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट मिलेंगे, क्योंकि तो जैसे ये बोल रहा था कि भैया इम्ब्रेस कर लिया आपका पीआईक्यू अच्छा है तो आपको वहां पर जाकर परफॉर्म भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ पीआईक्यू के बेसिस पे रिकमेंडेशन हो रहा है, नहीं तो फिर तो 12th और कॉलेज टॉपर्स को ही सीधा आर्मी और नेवी एयरफोर्स में ले लेते हैं। क्यों आया आज? सही है सर, बिल्कुल। के मतलब वही वाली चीज है सर, बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स ऐसा होता है कि लगता है कि बहुत अच्छे तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे कई बार जैसे वो जीडी के अंदर कई बार आईआईटीएंस मिल जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस के वो होते हैं, बट एंड देन दे गेट कॉन्फ्रेंस आउट बिकॉज़ देयर आर मेनी थिंग्स। एकेडमिक्स इज ओनली जस्ट वन फैक्टर व्हिच इज इंपॉर्टेंट। तो आयास जब तुम अपना ये कर आए रूम के अंदर तो आसपास कोई लोग थे जिसने बोला भाई हमने तो 60 कर दिया, हमारा तो बहुत बढ़िया गया है, नोट्स वगैरह लेकर उससे निकाल के लाए थे, ऐसे लोग मिले तुम्हें कोई? सर इस मामले में सर मेरा जो रूम था ना काफी अच्छा था, लाइक जैसे सर मैं बहुत अच्छा सर हमारे रूम में मतलब कोई ऐसे बाबागिरी कुछ नहीं थी, प्लस ऐसा भी कुछ नहीं था कि आपस में ऐसे वो कर रहे कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। तो उसमें हमारे रूम में जीडी से पहले सिर्फ एक बच्चे ने ऐसा बोला था कि ना हम सबको चांस देंगे, तो सारा रूम ऐसा हो गया ऐसा है कि हम किसी को चांस नहीं देंगे, जो नेचुरल रहेगा वो रहेगा, कि ऐसा कि वही वाली चीज है। स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करी बट स्ट्रेटजी यही थी लेट एवरीवन पार्टिसिपेट। यस सर, के यही वाली चीज थी कि वहां पे भी सर प्लस लोग स्ट्रेटजी बनाते सोचते कि वो ये कहते हैं कि तेरा हो जाए मेरा हो जाए। मैंने सर वहाँ खुल के रूम में बात बोली थी, मैंने कहा सर देखो हम अच्छी बातचीत हो गई अच्छी चीज है, लेकिन अगर मेरे और तुम्हारे बीच में आ जाएगा ना तो ऑफ कोर्स आई विल चूज माय सेल्फ। मैं तुम्हारा सिलेक्शन कराने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं अपना सिलेक्शन कराने आया हूँ। मैंने कहा मुझे तुमसे भी कोई शिकायत नहीं है कि लाइक मुझे कोई शिकायत नहीं है कि आप मुझे बैटल फील्ड में कोई मुझको कैसे काटता है कैसे, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक आप करो जैसा आपको करना है मैं वैसा कर रहा हूँ। यस हेल्दी कॉम्पिटिशन दैट आई विल बी हैप्पी फॉर योर सिलेक्शन but don't expect that I will not try my best for my selection, right? हाँ. Very good. तो आयाज तुम्हारा नाम A से है तो इंटरव्यू जल्दी आया कि बीच में आया कि GTO का इंटरव्यू? मेरा सबसे लास्ट में हुआ था सर, सबसे लास्ट में। Lucky you. जल्दी हमारा क्या होता है कि जाते हैं तो पहले A वालों का आ जाता है? नहीं सर हमारा रेंडमली उठा रहे थे, तो सर एक जोक था सर, मतलब इसे मैं वहाँ पे भी मैं वेटिंग रूम में भी सबको यही जोक सुनाया मैंने। तो लाइक उसमें एक मतलब एक बंदा ना अपने दोस्त से जाके कहता तुझे पता है मैं अंडे की क्रेट में से ना अंडे रेंडमली उठाता हूँ, कहता क्यों? कहता ताकि उसमें डर बना रहे कि कौन से अंडे है, अब अगला नंबर किसका है। अच्छा है ये तो मेरे ख्याल से आयो सब बाकी दोनों जीटीओ साहब और साइकोलॉजिस्ट को सुनाता होगा कि ये सारे बच्चे अंडे हैं इनमें से मैं डर बना रहे। सही है तो ठीक है तुम्हारा फिर, तो तुम्हारा यानी सेकंड डे जब जीटीओ हुआ उसके बाद इंटरव्यू हुआ? यस सर, हम सर मेरा इंटरव्यू हमारे रूम का इंटरव्यू थर्ड डे कंप्लीट हो गया था, दो डे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टे था। ओह वेरी नाइस, 3 दिन तक हमारी कॉन्फ्रेंस भी थर्ड डे हो गई थी। ओह वेरी नाइस, तो तेरे आईओ से पहले तेरा जीटीओ हो गया था? नहीं सर, पहले सर फर्स्ट डे तो वही पीआईक्यू वगैरह हो गया, सेकंड डे जो हमारा स्टार्ट हुआ सेकंड डे में साइक हुआ, साइक के बाद आईओ हुआ, फिर थर्ड डे जीटीओ हुआ और फिर कॉन्फ्रेंस। ठीक है ओके, तो जी मतलब तेरा जिस दिन साइकोलॉजी के शाम की दिन तेरा इंटरव्यू हो गया था? यस सर।
ठीक है, तो इंटरव्यू की बताएं, इंटरव्यू में ज्यादातर सवाल कहाँ से पूछे, फैमिली से, करंट अफेयर्स से, या तेरी लाइफ से, या फिर तेरी स्कूलिंग से, एकेडमिक्स की मिक्स था, किस चीज पर तुझे लगा कि तुझे ज्यादा ग्रिल करा जा रहा है? सर PIQ से पूछा और काफी मतलब, और मुझे सर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ग्रिल करा वहां पर, क्योंकि ना अच्छा बहुत जनरल डिस्कशन चल रहा था वहां पे। तो एक चीज वहां पे उन्होंने ये चीज मुझे सर एहसास हुआ कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जबरदस्ती घुसाते जो चीज नहीं भी पता। तो सर मैं लाइक मेरा पास इंटरव्यू से पहले मेरा जॉब चल रहा था, तो मतलब इंटर्नशिप चल रही थी उस टाइम पे मेरी, कहाँ पर? तो मुझे टाइम नहीं सर पब्लिक रिलेशन रुडोफिन सर, तो सर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था अपना, मतलब मैं अब मतलब मैं अपने आप को अप टू डेट रखूं करंट अफेयर से क्या चल रहा है क्या नहीं चल पा रहा। तो मेरे से इंटरव्यू सर ने पूछा मेरे से आईओ ने के आप बताओ कि लाइक करंट अफेयर्स में क्या पढ़ रहे हो क्या कर रहे हो। मैंने एकदम सबसे पहली चीज एक्सेप्ट कर ली सर, मैं ना इस पार्ट में लैक कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा भी है नहीं इस चीज की नॉलेज, और सर मेरी कमी है मैं मानता हूँ इस चीज को। तो उन्होंने सर ज्यादा पूछा भी नहीं मेरे से, मैंने कहा चलो ठीक है कि अभी देश में क्या चल रहा है ये बता दो। कह रहे इतना तो पता होगा देश में क्या चल रहा है, मैंने कहा सर ये पता है इतना देश में क्या चल रहा है, कह रहे ये बता दो, मैंने कहा ठीक है। फिर उसमें करंट अफेयर्स में सर मेरे से बस यही चीज पूछी, बाकी तो नॉर्मल PIQ से था मेरा मोस्टली कुछ ऐसा लगा, कुछ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट से एसोसिएटेड पूछा? सर। बहुत सारा सर मेरा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट से GTOV में सर मेरा हुआ। ये सेम बात अयाज, ये सेम बात जो तूने बोली है मेरे SDT से, ये सेम बात मैंने थोड़े दिन पहले ऋषिका का इंटरव्यू में सेम बोला, सर मेरे SDT से मेरे GTO साहब ने भी पूछा, ये एक नया ट्रेंड थोड़ा सा देखा है मैंने, तो ये थोड़ा बता SDT से किस तरीके के सवाल, दो मेरे दो तीन क्वेश्चन है कि SDT क्यों इंपॉर्टेंट है, SDT की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, और वो आयो के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये कैंडिडेट्स को समझाओ जरा। सब PIQ पे फोकस करते हैं बट SDT पे नहीं करते। सर SDT में बेसिकली क्या होता है, आप बता रहे हो कि आप अपने आप को कैसा आप हो क्या वहां पे, आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो SDT के अंदर। करेक्ट तो आपने एक चीज लिख दी कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतना रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं तो इतने सारी चीज अच्छे से करता हूँ। फिर आईओ आपसे सवाल पूछना शुरू करता है कि आईओ फिर मतलब आपको क्रॉस चेक करेगा बार 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 डायरेक्टली बार पूछता है, इनडायरेक्टली पूछता है? सर, दोनों डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी बार बार घुमा के मतलब, और ऐसा हो सकता है जो चीज इंटरव्यू के बिल्कुल स्टार्टिंग में पूछी थी वापस उस चीज पे आ जाएगा, मतलब लास्ट टाइम पे इंटरव्यू का लास्ट चल रहा है वापस, क्योंकि सर ही वाज राइटिंग एवरीथिंग, मतलब हम कुछ भी बोल रहे थे, हम नाम बोल रहे थे। मैंने सर ये भी बोले ना कि मेरा अगर दोस्त है तो किस किस जगह पे जॉब कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, सब लिख रहा था आईओ के, मतलब कि क्या चीज कर रहा है, इसके दोस्त क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, फिर तुमने अपने दोस्तों को कैसे हेल्प करी। सर जैसे सर मुझे ऐसा लगा GTO में जो चीज मेरे से हुई थी कि मुझे ऐसा लगा, मैंने SDT में कहीं लिखा था, कहीं उन्होंने मेरा जो परसेप्शन ये करा कि ये अपने आप को ऑनेस्ट बोल रहा है, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बोल रहा है, ये दो चीज मैंने मुझे, क्योंकि इंटरव्यू में भी कई बार चीज पूछी थी मेरे से वाली। तो GTO में सर एक चीज ऐसा हुआ, जब इंडिविजुअल टास्क कर रहे थे हम लोग, तो उनमें उन्होंने कहा था कि मतलब आप टास्क तभी रिपीट कर सकते हो इंडिविजुअल टास्क के जब आप सारे कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी, तो उससे पहले आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो उसमें सर जो 6 फीट वॉल थी पहले बार में मैं नहीं कर पाया, मैंने ट्राई करी मैं नहीं कर पाया, फिर मैं दूसरे उस पर चला गया। फिर मैंने कहा कि जब सारी मतलब कि जो जो टास्क मैं कर सकता था वो मैंने कर लिया, मैंने कहा चलो 6 फीट वॉल दोबारा ट्राई करता हूँ कि अभी मेरा हुआ नहीं था। तो मैं दोबारा करने गया, इतना टाइम ओवर हो गया, तो फिर इतने में सर GTO सर ने मुझे बुलाया, कहते कि हैव यू कंप्लीटेड ऑल योर टास्क, मैंने कहा नो सर अभी तो सारे नहीं हुए मेरे टास्क कंप्लीट, कहते तो तुम वॉल को दोबारा क्यों कर रहे थे, मैंने कहा सर मैंने पहली बार में ही वॉल नहीं कर पाई तो इसलिए मैं दोबारा ट्राई कर रहा था। तो जब मैंने आगे सर ये चीज मतलब अपने रूम में डिस्कशन कर ऑनेस्टी रहे थे, वाला तो रूम में फैक्टर। हाँ तो जब रूम में ये चीज डिस्कशन कर रहे थे, तो मेरे बराबर में जो बंदा था वो मेरे से कहता तूने एक खामा खा वॉल के नंबर छोड़ दिए, मैंने कहा हाँ वो बैठे हैं हमें देखने के लिए बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं मैंने वॉल करी नहीं करी। सही है भाई, आई गॉट योर पॉइंट कि ये, और मतलब कमांड टास्क से पहले कुछ बात करी थी GTO साहब ने? यस सर, कमांड टास्क से पहले बात करी थी कि आपको फोर्सेस क्यों ज्वाइन करनी है, मतलब नॉर्मली कि आप क्यों मोटिवेटेड हो आप फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। और हाँ सर उससे मेरा उसमें से SDT में से कुछ नहीं पूछा था। एक सर एक चीज आई वांट टू लाइक मेंशन यहाँ पर, कमांड टास्क में ना जैसे सर वही वाली चीज मैंने कही थी कि हर एक्शन का रीजन आपको पता होना चाहिए, करेक्ट तो जब कमांड टास्क में बच्चों को बुला रहे थे तो उसमें क्या करते हैं कि GTO पूछते हैं कि तुमने किए ही वाले बच्चे क्यों बुलाए, इतने ही बच्चे क्यों बुलाए। तो कई बार बच्चे इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं कि सर हमने रेंडमली चूज कर लिए,
कि ताकि जीटीओ को ऐसा ना लगे कि हम किसी को डिमीन कर रहे हैं या जीटीओ, मतलब कोई भी रीजन हो सकता वही है, वही कोई भी अभी फैक्टर हो वही सकता है। अगेन रनिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, इट्स अगेन रनिंग फ्रॉम द क्वेश्चन ना, कि भैया मान लीजिए 12th में तुम्हारा गैप ईयर था या तुम एनडीए में फेल हो गए थे, तुम कुछ बोलने लग जाते हो सर आई वाज फोकस्ड हियर, आई वाज फोकस्ड हियर, छुपाने की क्वेश्चन तो तुम रैंडम यहां पर बोल देते हो बचने के लिए, रादर देन गिविंग द रीजनिंग व्हाई हैव यू कॉल्ड दैट दोस पर्टिकुलर पर्संस फॉर योर कमांड टास्क। तो वो उस रीजन उससे मेरे से मालूम करा उन्होंने कि तुमने यही क्यों बुलाया सर, मुझे सर मुझे ऐसा लगा सर कि ये टास्क के लिए ज्यादा बेहतर है मेरे, उन्होंने कहा और बेहतर नहीं आपके टास्क के लिए, मैंने कहा सर इफ आई हैव टू लाइक चूज टू तो मुझे ये ज्यादा बेहतर लगे, तो लाइक उसमें आपके एक्शंस के पीछे आपके रीजन होने चाहिए, आप Exactly, बस वो ऐसे कुछ नहीं कर, जो तूने रीजनिंग एबिलिटी की थोड़ी देर पहले बात करी थी, यस सर कि बिल्कुल आप ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते कि बस हाँ मैंने बुला लिया क्योंकि मेरा मन करा। हाँ वही ठीक है, एवे ही नहीं चलेगा, क्या कर रहा है, एवे ही है, एवे ही नहीं चलेगा, ठीक है एवे तो फिर घरी बस में बैठा देते हैं वो। अब तू मुझे बताइए जो तूने रीजनिंग एबिलिटी की बात करी है, क्या इंटरव्यूइंग ऑफिसर इसे टेस्ट करता है क्वेश्चंस के थ्रू? यस सर बहुत ज्यादा सर, कि कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर एग्जांपल देके आपके बता हाथ दो, के तेरे एसएसबी में तेरे साथ हुआ। कि सर जैसे एक वो उन्होंने मेरे से ये कहा कि 10th में सर 10th 11th 12th के जब मार्क्स पूछ रहे थे मेरे से, तो सर 10th में मेरे मैथ्स मैथमेटिक्स में 10th तक काफी अच्छा था सर, लाइक आई स्कोर्ड 100 इन 10th, तो ओ यस सर तो वाओ, 100 मेरे को तो 20-30 सितंबर दे दो, फर्स्ट डिस्टिंक्शन आ जाता शायद। ठीक है चलो, हाँ बता बता फिर मुझे मेरी से बात। हाँ फिर 12th में सर मेरा मैथ्स एकदम डाउन हो गया, आई डो नॉट नो व्हाट वाज द रीजन, लेकिन 12th में मेरे 100 में से 40 एकदम अलग बाप एकदम। रे, हाँ तो फिर फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब कि तुम्हारे क्या रहा रीजन, पहले कहते कि तुम्हारे मार्क्स क्यों कम है, मैंने कहा सर सिर्फ कहते 10th के बाद तुम्हारे मार्क्स कम हो गए ग्रेजुअली, मैंने कहा सर आप ऐसे नहीं कह सकते, मैंने सर आईओ से सीधा कह दिया, मैंने सर आप ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ सब मैथ्स में डाउन हुए बाकी सब में इंक्रीज हुए, ऐसे लांछन मत लगाओ आप मेरे पे। फिर उसके बाद अरे कहते अच्छा क्या करा तुमने, कहते क्या क्या करा, मैंने कहा सर मैथ्स छोड़ दिया, आई थॉट कि मेरे लिए है ही नहीं ये चीज, तो मैंने मैथ्स फिर छोड़ ही दी, तो कहते अच्छा मतलब कि क्या एक्शन लिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्या रीजन रहा कि फिर क्या स्टेप आपने लिया, कि अगर आपको कमी लग रही है, कि अगर आपको लगता है कि आपको उसमें काम करना है तो आपने इम्प्रूव करा, अगर आपको लगता है इम्प्रूव नहीं कर पाते मेरा सब्जेक्ट नहीं मैंने छोड़ दिया वाला चीज इन माई ग्रेजुएशन। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने पूछा 40 मार्क्स क्यों आए 12th में? सर मैंने कहा सर कमी रह गई होगी मेरी तरफ से, अगर 40 आए तो सर कमी तो है मेरी तरफ से कहीं ना हाँ कहीं, मैंने जितना अपना करा मैंने जितना करा उतना नहीं हो पाया, तो इट मीन्स आई वाज नॉट कट आउट फॉर इट, तो मैंने करेक्ट, लाइक तो नाउ आई अगेन रिटरेट, यहाँ पर इसके 40 मार्क्स आने के बाद एक्सक्यूजेस नहीं बना रहा है, ये कह रहा है दैट सर आई डिडंट वर्क हार्ड और आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, देयर इज अ प्रॉब्लम विद मी, द प्रॉब्लम इज नॉट विद द सब्जेक्ट, एम्ब्रेसिंग एंड एक्सेप्टिंग इट, और एक्सेप्ट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ग्रेजुएशन के अंदर इसने तुमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स चूज करे, करेक्ट? जर्नलिज्म सर, जर्नलिज्म एंड मास कॉम। हाँ जर्नलिज्म, तो ही मूव टू दो सब्जेक्ट वेयर ही वाज स्कोरिंग, तो बिकॉज़ ही रियलाइज कि भैया ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, ये मेरे वीक एरियाज हैं, तो मैं किस में प्ले आउट कर सकता हूँ। आयाज ऐसा कोई सवाल इंटरव्यू के अंदर जो तुम्हें लगता है कि बहुत सही सवाल था, या फिर ये तुमको रिकमेंडेशन वाला सवाल था, तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर ये गलत जवाब देता तो पूरा आयो खराब हो जाता मेरा? सर मैं अभी अपनी पीजी कर रहा हूँ जामिया से, हाँ तो मुझे ये मालूम था कि सर मेरे पे एनआरसी सीए का क्वेश्चन 100% उठेगा, हाँ तो वहां से क्वेश्चंस आए थे, तो उसके लिए आई वाज रेडी, तो मुझे ये था कि अगर मैं उसमें कहीं ब्लंडर कर देता तो 100% मैं नॉट रिकमेंडेड था वहां पर। सही है सही है, तो किस तरीके का सवाल? सर उन्होंने काफी पहले बहुत मतलब इस पे ये वाला काफी अच्छा पार्ट रहा इंटरव्यू हाँ का, जो क्योंकि बटलाइन इस पे काउंटर काफी लंबा वाला डिस्कशन। उस हाँ पर, ओ नहीं सर नहीं नॉट सर नॉट पाटला सर, जामिया एनआरसी का जो कंप्लीट अच्छा 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 एनआरसी एंड सीए वाला रहा। हाँ, जो पिछले साल हुआ यस नहीं 2019 वाला, सर हाँ 19 वाला, दे वांटेड टू नो योर व्यू पॉइंट। यस सर, तो उसमें सर उन्होंने यही मालूम करा कि कहते कि प्रोटेस्ट में आप थे या नहीं थे, तो सर हाँ आई वाज लाइक एक्टिव पार्टिसिपेट आई हैव लाइक आई वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट, तो उन्होंने कहा कि आप क्या थे आपको क्या लगता है एनआरसी का, तो मैंने कहा सर मैं तो अपने लाइक जामिया इज माई कम्युनिटी तो आई वाज स्टैंडिंग विद माई कम्युनिटी, तो सर मेरा सबसे पहले रीजन ये था कि मैं लाइक अपने लाइक क्या कहते हैं मिशन फर्स्ट लाइक पीपल पीपल ऑलवेज वाली चीज के
मैं अपने लोगों के साथ खड़ा था, तो फिर उन्होंने फिर वही चीज पूछी कि कहते आपको क्या लगता है कि क्या वो सही थे जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो फिर सर वहाँ जो मुझे कमियां लगी कि सर मैंने कहा जैसे लोग ज्यादा कंप्लीट बात को समझ नहीं पाए थे, क्योंकि सर मैंने यही कहा सर आईओ सर से, मैंने कहा सर अगर हम दोनों बात करें, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू नो NRCCA का बैकग्राउंड थोड़ा सा, तो लेकिन अगर हम दोनों बात करें तो हम दोनों को इस पर डिस्कशन करने पर कम से कम भी 3-4 घंटे आराम से लगेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी फोल्ड है। मैंने कहा सर लोगों को आइडिया ही नहीं था और लोग सड़कों पर उतर गए थे। मैंने कहा फिर सर, और फिर कहते आपको क्या गवर्नमेंट का स्टैंड क्या लगता है? फिर मुझे सर जो गवर्नमेंट का स्टैंड लगा, मैंने कहा सर कि मतलब प्रॉपरली एड्रेस नहीं हुआ तो वहाँ उधर गवर्नमेंट की कमी थी। कह रहे आपके क्या व्यूज है? मैंने कहा सर दोनों जगह था, मतलब एक कॉमन ग्राउंड आ जाता तो अलग चीज थी। मतलब सर कोई मतलब मैंने कोई ऐसा वो नहीं दिया कि नहीं सर के या तो वो जामे वाले गलत थे या गवर्नमेंट गलत थी। मतलब सर वेरी गुड, सर मैं वेरी गुड एकदम किसी को आयाज, जाके दिस विल एकदम हेल्प अ लॉट अक्यूज ऑफ नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स। ठीक है, तो आप देखिए आयाज से क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, जामिया से पढ़ाई कर रहा है, तो वो चेक करना चाह रहे थे कि ये भैया ये कोई एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट तो नहीं है, कोई एकदम कोर विंगर तो नहीं है, रेडिकलाइज तो नहीं है, इस तरीके की चीजें चेक करने की कोशिश करी गई होंगी आयाज, यही तो कर रहे थे। यस अब सर जैसे इसका बैलेंस्ड ओपिनियन था, ऐसे फार्मर प्रोटेस्ट की अगर आज बात करी जाए और मान वो लेते भी हैं सर, कि बोलो सो आई एम बोलो, सो सॉरी टू से हाँ इंटरप्ट सर, आई एम बोलो सो सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपने बोलो, फार्मर प्रोटेस्ट बोला है तो सर उन्होंने सर ड्रिफ्ट भी करा मुझे फार्मर प्रोटेस्ट की तरफ, आप उधर भी ड्रिफ्ट करा सर, कह रहे इधर आपका क्या है? और सर मैं फार्मर प्रोटेस्ट में ट्रेन में पढ़ता हुआ जा रहा था, मैंने कहा एटलीस्ट आई शुड हैव एन आइडिया कि क्या चीज आते हैं। मैंने कहा सर आप बैठो हम बात करते हैं इस सही है सही है। तो अगेन मतलब ये देखिए कि अयाज को कोशिश करी गई कि भैया ये मुसलमान है तो ये कोर सपोर्टर होगा उनका और सरकार के खिलाफ बोलेगा, बट आपने देखा अयाज हैड अ वेरी बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं हर बार आपसे यही बोलता हूँ कि किसी अखबार को पढ़ के लेफ्ट विंगर और राइट विंगर मत पढ़िए, अखबार को पढ़ के अलग अलग चीजों से पढ़ के एक अपना रैशनलिस्ट ओपिनियन बनाइए, और अगर आपको बात करनी है तो पॉलिसी पे बात करिए। जैसे कि अयाज ने किस पर बात करी, NRC की पॉलिसीज पे बात करी, फार्मर्स पॉलिसीज पे बात करी कि सर आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट और द कम्युनिटी, दीज आर द इश्यूज विच शुड बी सॉर्टेड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग, बिकॉज आपकी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी, ये ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड दैट इज वॉज अयाज की बैलेंस्ड ओपिनियन देना है। वो देखना चाहते हैं कहीं क्या पता कि अगर माने जाए आप हिंदू कम्युनिटी में आपके पिताजी काफी कुछ ऊंची पोस्ट पे हैं, या फिर मान लीजिए वो RSS के संगठन से आते हैं या मंदिर के संगठन से आते हैं, तो आपको क्वेश्चन करने की कोशिश करी जाएगी, फंसा है कि क्या पता आप किसी और कम्युनिटी के बारे में कोई बुरा तो नहीं सोच रहे हैं, तो वगैरह वगैरह। सो अगेन ट्राई टू गेट योर बैलेंस्ड ओपिनियंस, रीड थॉरली, अलग अलग जगहों से पढ़िए जिससे आपको एक अच्छा ओपिनियन मिल सके, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस। तो अयाज ये जो प्रोज एंड कॉन्स की तुमने बात करी है, सवाल की बात करी है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो तुमने दी, जिसका जवाब वहां पर दिया, एक बैलेंस्ड ओपिनियन, एक बैलेंस्ड ओपिनियन बना के लिए कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, जैसे तुम्हारा है। हाँ इसके लिए सर हमें ना पॉलिसीज मतलब काफी पढ़नी पड़ेगी, क्या चीज है हमें दोनों साइड से पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि सर जैसे NRC का मैंने सर NRC आज से नहीं है सर, NRC 2004 से चल रहा है, मतलब धीरे 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 चीजें चेंज हो रही है सर। मैंने 2004 से लेके मतलब सारी पॉलिसीज, सिटीजनशिप पॉलिसीज क्या रही, कैसे चेंजेस आए, प्लस फार्मर प्रोटेस्ट में गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज रखी, प्लस उनकी फार्मर्स की क्या डिमांड है, और प्लस क्या क्या बेनिफिट आगे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान आगे हो सकते हैं, मतलब हर चीज मतलब लेके पढ़ना शुरू करा मैंने सर। अब मैंने उनसे भी पढ़ा जो एक्सट्रीम लिखते हैं बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते हैं सर मैंने कंप्लीट जो एक्सट्रीम पढ़े मैंने वो पढ़े सर, मैं जो बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट लिखते हैं मैंने वो पढ़े, क्योंकि सर क्योंकि अगर मुझे एक अपना ओपिनियन बनाना है तो सर मुझे दोनों साइड जाननी जरूरी है कि कौन करेक्ट क्या कह करेक्ट। रहा है। अगर मैं सिर्फ एक साइड जान के चला जाऊंगा या मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होगी नहीं, मुझे बहुत हाफ कुक नॉलेज है, तो मैं आई विल मेक अ जोक आउट ऑफ माई सेल्फ देयर, नथिंग एल्स। तो आप देखिए इसकी हम्बलनेस देखिए, 2004 से लेके सारी पॉलिसीज पढ़ी, NRC पढ़ी, CAA पढ़ा, फार्मर्स प्रोटेस्ट पढ़ा, और बोल रहा था कि सर करंट अफेयर नहीं आता है, और पूरा पढ़ के बैठा हुआ है। ठीक है, पूरा 10 साल का पढ़ के बैठे हुए, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये रेकमेंडेड कैंडिडेट वही वाले बच्चे हैं जिनके 19 out of 20 आते हैं, 20 out of 20 आते हैं, उससे पहले बोलते हैं अरे यार बहुत बेकार पेपर गया हमारा। ये सर लोग ऐसा नहीं है सर, पूरे करंट डिटेल में पढ़ के बैठा है, पूछ रहे 10 साल की पॉलिसी। वेरी गुड यार आयाज, ठीक है। तो आयाज ये तूने मेरे को आयोग के लिए बनाया, कितनी देर चला तेरा इंटरव्यू, सर ऑलमोस्ट 70-80 मिनट्स। 70-80 मिनट, सो क्लोज टू अराउंड 1.5 घंटा। यस सर। कितने बजे चालू हुआ तेरा इंटरव्यू? ठीक सर मेरा इंटरव्यू चालू हुआ है 4 बजे शाम को। है, नर्वसनेस हो रही थी जाने से पहले, दरवाजे से पहले?
सर मैं हम ना 1 बजे से बैठे थे सारे, मतलब 1 बजे से कह रहा हूँ, 11 बजे से बैठे हुए थे इंटरव्यू के लिए, तो 4 बजे तक होते होते ना मैं अकेला बच गया था, क्योंकि सर सब सबको लंच करने भेज दिया था उन्होंने कि पहले हम फिर 2 बज गए थे लंच के बाद, सिर्फ 2 बच्चे बच रहे थे कि बाकी जब सब हो गए थे कि फिर हम लंच करके आए तो फिर वो अकेला हो गया, फिर जो था फिर मैं 1.5 घंटे से अकेला बैठा हूँ, मैं सो गया ले लो इंटरव्यू, कोई नर्वस नहीं, तुम बोलो क्या चल रहा है, बात करो मेरे से, ठीक है। तो जब इंटरव्यू में घुसे तो सीधा रैपिड फायर क्वेश्चंस थे कि थोड़ा 1-2 मिनट रिलैक्स करवाया? रिलैक्स करवाते हैं काफी, मतलब आप मतलब ईज डाउन करने की कोशिश करते हैं, बहुत नॉर्मल बात करते हैं, बहुत बार बार पूछते हैं कि लाइक क्यों नर्वस हो रहे हो, नॉर्मली तो बात कर रहे हैं, तो वही वाली चीज है सर। इंटरव्यू मुझे लगता है सर नर्वसनेस इसलिए ज्यादा होती है इंटरव्यू में क्योंकि सर सामने दिख रहा है हमें क्या चल रहा है हमारे साथ, नहीं तो सर जीटीओ में हमें नहीं पता किस चीज पे सेस हो जा रहा है, साइट में हमें नहीं पता किस चीज पे सेस करा जा रहा है, इंटरव्यू में हमें पता चल रहा है कि अगर हमने कहीं ब्लंडर कर दिया हमें दिख गया कि ये गलत चीज बोल दी, सामने दिखता है और उसको उसको देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद आंसर तुम्हारे दिमाग में रोल हो जाता है कि क्या कुछ गड़बड़ है, बट ठीक है एटलीस्ट इंटरव्यू के अंदर तुम वहां पर यू कैन करेक्ट योरसेल्फ एटलीस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि सामने दिख रहा है। जीटीओ और साइकोलॉजी में गलती बाद में ध्यान आती है जब रूम चले जाते हैं। यस सर, इंटरव्यू में सर बोलो बोलो तो इंटरव्यू में सर मुझे एक चीज ये भी लगती है कि जब वो ईज कराने की कोशिश करते हैं ना सर, वो आपसे इतना फ्रैंक हो जाते हैं ना, कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि तुम तो मेरे कल के दोस्त हो, दोस्त है ये हमारा, ठीक है, अब साथ में तफरी मारेंगे और सब बकवास बोलने लग जाते हैं, जो चीज आप खुल के अपने माँ बाप के सामने नहीं बोल सकते हो वो चीज खुल के आपको वहां नहीं बोलनी है, खत्म बात। वेरी नाइस, तो बड़ा जेन्युइन है ये कि ये बेसिकली कैलकुलेटिव ट्रूथ की बात कर रहा है कि जितना पूछा गया उतना बताना है, ठीक है, और फिर सोचना है बोलने से पहले। तो ऑब्वियसली तुमने अपने SSB में जाने से पहले सॉलो लिख के करा था, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा था सर काफी सर, प्लस सर मैं ना ये तो यही प्लस मैं ना जब मैं ट्रेन में था तो एक दिन पहले था मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी डाल दी, हे वी हैवंट कैच्ड अप इन अ लॉन्ग टाइम, के व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट मी लेट मी नो, मैंने वो भी डाल दिया था लाइक, फिर मैं उनके आंसर्स रीड कर रहा हूँ, अच्छा ये तो सही कह रहा है मैं ऐसा करता हूँ, हाँ मैं ऐसे मतलब, फिर मैंने ऐसे डाल दिया कि आप मेरे प्रोज और कॉन्स बताएं, मैंने सर एज एक मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मुझे वो बताओ, मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी ये डाल दी, अब लोगों ने लिख रहा है, मैंने कहा हाँ मैं ये करता हूँ, ये मेरे में कमी है ये है, तो दैट हेल्प मी अलॉट। तो ये देखो ये नई टेक्निक आई है कि इंस्टाग्राम पे लोग जैसे डालते हैं, यार इंस्टाग्राम दिव्या मैम भी बहुत करती है तो वो डालती रहती है कि कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर आयाज बता रहा है डालो SSB का नाम मत लो, जनरली डालो भैया मेरी वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कुछ ओपिनियन आपको मिलेंगे विच विल हेल्प स्पेसिफिकली इन दी IO एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी। कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछे तुमसे इंटरव्यू में, प्लेन के कैसे होता है वगैरह? नहीं सर, मेरे से ऐसा कुछ नहीं पूछा, बैठे हम वेटिंग रूम में सर मैंने याद तो कर लेते हैं कि प्लेन की क्या क्वालिटी है, मैं सारे से मैं कभी ये पूछा ही नहीं, मैंने कहा सारा वेटिंग रूम का टेंशन बेकार चला गया। कुछ पूछा ही नहीं तुमसे, ठीक है, आप जीटीओ के बारे में बताओ, अपने जीटीओ कैसा रहा? सर जीटीओ काफी अच्छा था सर, स्टार्टिंग से हमारा जैसे सबसे पहले जीटीओ ने भी सर ने आके हमसे बात करी, मतलब काफी आराम से उन्होंने भी ईज अप करा, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एडवाइस वगैरह दी स्टार्ट होने से पहले, कह रहे कि हम कैसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो, प्लस उसमें सर एक चीज जो मुझे जीटीओ में इम्पोर्टेंट लगी, जब हमारा सर वो प्लानिंग एक्सरसाइज हो रहा था, प्लानिंग एक्सरसाइज में उसमें जो हमें उन्होंने रोल दिया था, उन्होंने कहा था कि आप हॉस्टल के स्टूडेंट हो, आप हॉस्टल के स्टूडेंट हो और आप पिकनिक मनाने आए हो, तो उसमें 3-4 इश्यूज थे, तो बच्चे उन्होंने क्या करा वो एकदम इश्यूज सॉल्व करने में लग गए, उन्होंने उस चीज को एड्रेस नहीं करा कि हम हॉस्टल के स्टूडेंट थे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम वार्डन को भी बताएं, तो उधर सिर्फ अकेला मैंने दिया था वाला पॉइंट कि क्या कहते हैं कि हम एज अ बीइंग अ हॉस्टल स्टूडेंट हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम किसी ना किसी तरीके से वार्डन को भी इन्फॉर्म करा जाए टाइम से पहले, तो लाइक उसमें बच्चे ऐसे हो गए थे कि नहीं नहीं ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये चीज इम्पोर्टेंट है, तो वहां पे जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर जितनी भी इश्यूज दिए जाएंगे ना कि उसको ये देखना है कि क्या कितना इम्पोर्टेंट है कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी भी चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि एक चीज बहुत छोटी सी है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस है तो आप उसको एकदम उठा के साइड नहीं रख सकते हो, क्योंकि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप प्रायोरिटी अब सेट कर सकते हो, जैसे वो कोर्स में हम करते थे कि कोई मर रहा है तो पहली प्रायोरिटी के ऊपर हो जाएगा,
आप ऐसा नहीं है कि हाँ वो गाय डूब रही, मतलब गाय डूब रही नहीं, कोई गाय मर रही है या भैंस मर रही है या कोई ऐसे हाथ टूट गया कोई है उसको छोड़ दो आप कि कोई और देख लेगा। कॉमन स्टोरी बन पाई थी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में? बन गई थी सर, ग्रुप प्लानिंग में बन गई थी कॉमन स्टोरी। ठीक है, नरेशन वाले बंदे ने कॉमन बोली कि अपनी बोली? उसने मतलब कॉमन बोली सर, उसने मतलब अपने पॉइंट्स कुछ जोड़े, अलग से कुछ जोड़े, बट कॉमन बोली थी सर, मतलब जस्ट वाज़ द कॉमन। और तुम्हारे जो दो जीडी हुए क्या टॉपिक्स याद है, पहले जीडी और दूसरे जीडी का रफली क्या था? पहला जीडी का टॉपिक था सर हमारा कि जो माइग्रेशन इशू है उसका मतलब सिक्योरिटी की वजह से हो रहा है या लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है जो माइग्रेशन मोस्टली हो रहा है, एक तो जीडी का टॉपिक ये था। दूसरा सर आई कैन नॉट रिकॉल राइट नाउ, इट्स बीन वेरी लॉन्ग। ठीक है ठीक है, तो और उसके बाद दूसरा और लेक्चरेट का टॉपिक क्या लिया था तुमने? सर लेक्चरेट का टॉपिक मैंने लिया था सर मोबाइल फोन, बस मोबाइल फोन नाम था, मोबाइल फोन का मतलब प्रोज एंड कॉन्स मोबाइल फोन। सही है, तो ये तुमने प्रैक्टिस करी थी कि वहीं पे बनाया? तो वहीं पे बनाया था मोबाइल फोन पे सर, लाइक कभी कुछ था नहीं सर। एक चीज मुझे सर यहाँ पे मेंशन करनी है कि ना लेक्चरेट के टाइम पे आई वाज द ओनली वन हु इज यूजिंग माय हैंड जेस्चर लाइक आराम से, बाकी सब एकदम अटेंशन लेके। तो उसके बाद मेरे ग्रुप ने मुझे इस चीज पे क्रिटिसाइज भी करा, दे सेड के तू हैंड जेस्चर क्यों यूज कर रहा था, तू ऐसे क्यों कर रहा था लाइक फिर लेकिन ना सर इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आपका जीटीओ आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है आप उस पर फोकस करो, आप इस पर मतलब एक कोई ऐसा प्री कंसीव लेके मत जाओ नहीं मुझे अटेंशन लेके रखना है। अगर आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है कि अटेंशन है तो लाइक यू शुड बी अटेंशन, अदरवाइज जरूरत नहीं है। और प्लस सर लेक्चरेट में मैंने अपने टॉपिक जब मैं करा था तो मेरे से पहले किसी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बात करी थी, किसी ने किसी और चीज पे बात करी थी सर, तो मैंने उधर से भी मतलब उनके पॉइंट भी कोट करे, कोट अनकोट करे कि मेरे ग्रुप चेस नंबर 15 नहीं बोला या 30 नहीं बोला। तो सर वहाँ पे वही वाली बात दोबारा कि अगर आप सुन नहीं रहे हो, कई बार ऐसा होता है सर बच्चे ध्यान नहीं देते लेक्चरेट पे, मतलब अपना करके बैठ गए, तो उधर भी ये वाली चीज भी हेल्प करी कि मतलब मैं अगर सुन रहा था मैंने सामने वाले के सुने तो मैंने उसके कोट भी करे, तो उससे एक बेनिफिट ये भी हुआ। तो अगेन अ वेरी गुड, लेक्चरेट के अंदर अपना तो बोला ही बोला, जो दूसरों ने अच्छे पॉइंट्स दिए उनको क्रेडिट भी दिया इसने, चेस नंबर 26, चेस नंबर 10 हैज सेट दिस पॉइंट। तो इससे आपकी एक तो सोशल अडैप्टेबिलिटी वाला फैक्टर तो ही है, आपकी अटेंटिवनेस को भी दिख रहा है, अवेयरनेस भी दिख रहा है, एंड सेकेंड जो हम टैट में कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोऑपरेशन के बाद किसी का पॉइंट लेते हो उसकी सराहना की बात करते हैं, तो अयाज तुमने लेक्चरेट में वही करा, राइट? ठीक है, और जीडी में कैसा रहा? जीडी में फिश मार्केट बना कि पॉइंट्स बोलने इजी थे? जीडी में पॉइंट्स बोलने कंपैरेटिवली इजी थे स्क्रीन इन से, क्योंकि एक बार अंदर आ गए तो लाइक काफी मतलब सुन भी रहे थे लोग, एक उसमें बात भी कर रहे थे, लेकिन एक चीज मतलब काफी हुई मेरे साथ, जैसे जो मेरे बराबर वाला बैठा था तो जैसे ही मैं कुछ बोलना शुरू करता हूँ एकदम अपनी आवाज तेज तेज करना शुरू, मैं एकदम चुप, मैंने कहा ले तू बोल ले पहले। तो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट सर मुझे ये चीज लगी कि किसी भी ग्रुप डिस्कशन में ना कि हम ये देखते हैं ना कि कई बार जैसे बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो कहते हैं कि अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है कोई तो आप एकदम अपनी आवाज तेज कर लेना, ये कर लेना। सर मुझे ये लगता है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बोलने से ज्यादा कि चुप कब होना है वहां पर, कि वो ज्यादा देखा जाता है कि अच्छा ये टाइम है कि हाँ मैं थोड़ा सा चुप हो जाता हूँ या इस टाइम पे मैं बोलता हूँ। ठीक है, बट जैसे कि तुमने अभी ये पॉइंट बोला, इसका अब बच्चे क्या इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे कि भाई चुप रह के भी जीडी में हो जाएगा, उस पर बताओ? चुप रह के नहीं होगा, चुप रह के तो वो कहेगा तो मतलब वो ऐसे थोड़ा ना कि मन से पढ़ रहा है कि अच्छा मन में से नहीं ये बोला होगा बेचारे ने दे दो नंबर। ठीक है, अब जैसे कि जैसे फिश मार्केट बन रहा है बहुत ज्यादा, बहुत तेज फिश मार्केट बन रहा है, या फिर तुम अपने चांस के लिए देते हो, या फिश मार्केट में तुम्हें बोलना है तो तुम अपनी आवाज को रेस करके भेजते हो, क्योंकि अभी आयाज ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मास्क पहन रहे हैं, मास्क के ऊपर शील्ड है तो आवाज थोड़ी रेस करनी पड़ रही है, तो दैट इज नॉर्मल, राइट? क्योंकि आवाज पहुंच ही नहीं पा रही है क्योंकि वो तो मास्क हो गया, शील्ड हो गई। तो सवाल ये कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर चुप रहने से प्रॉब्लम है और फिश मार्केट बन रहा है तो तुम्हें वेट करना चाहिए कि कोई चुप होगा कि ग्रैब करना पड़ेगा चांस? सर उस पर डिपेंड करता है कि नेचर चल क्या रहा है, कि अगर इट्स थ्रू आउट द फिश मार्केट तब तो ऑफ कोर्स आपको मतलब नेक कंपटीशन है, आपको मतलब ग्रैब करना ही करना है चांस, कि मतलब कुछ पॉइंट होते हैं कि अगर कुछ पॉइंट्स में फिश मार्केट बन रहा है कि एक आधा पॉइंट है तो सब कुछ, क्योंकि सर सब एक साथ नहीं बोल सकते, एक ना एक आपको एक सेकंड का दो सेकंड का विंडो मिलता है जिसमें सब चुप हो जाता है,
या तो आप उधर ले सकते हो, या फिर सर कई बार ऐसा होता है कि कई बार होता है सिर्फ अगर आप सेम पॉइंट्स रिपीट कर रहे हो तो आपको सामने वाला सुनने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन आप कई बार यूनिक पॉइंट लेकर आते हो कि जो मतलब एक्चुअल पॉइंट आप अपना लेकर आते हो तो बंदे वैसे भी चुप हो जाते हैं कई बार। ये चीज मैंने नोटिस करी काफी। ठीक है, तो ये मैं जरा ढंग से बता दूं, आयाज ने जो बोला है कि अगर टोटल फिश मार्केट आपका बढ़ रहा है तो भैया फिर तो उसमें बोलने के लिए तो आवाज को रेज करना पड़ेगा आयाज, जब पूरा करना ही पड़ेगा सर, करना, उसमें तो ऑप्शन नहीं है। दूसरा है कि आपके ग्रुप में थोड़ा थोड़ा फिश मार्केट बन रहा है किसी किसी पॉइंट पे, तो वहां पर जब गैप मिले तो बोलो, ठीक है। अगर पूरा फिश मार्केट है तब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, देन यू हैव टू स्पीक। और पूरा फिश मार्केट बन रहा है और तुम धीरे धीरे बोल रहे हो तो किसी को सुनाई नहीं देगा, ठीक है। बहुत भयंकर फिश मार्केट है तो देन यू हैव टू रेज द वॉइस आयास, यस सर, फिर तो ऑप्शन ही कम है, ठीक है। तो ये तो सर वो बोलो बोलो, वो तो सर वही है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है फिर सर, ठीक है। तो अब वही है कि ज्यादातर ये केस जब पूरा 15 मिनट 10 मिनट आपका फिश मार्केट बनता है जीडी, ये रिपीटर्स के बैच में ज्यादा होता है, फ्रेशर में रिलेटिवली इसके चांस कम रहते हैं। जैसे इसने खुद बताया कि इसका जो जीडी पीपीडीटी के बाद हुआ वो ज्यादा डिफिकल्ट था बिकॉज बहुत ज्यादा फिश मार्केट था, यहाँ पर भी बना बट ही वाज एबल टू पुट फोर्थ हिज पॉइंट। पॉइंट आयास, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर एक बार बोलना चाहिए, दो बार बोलना चाहिए, तीन बार बोलना चाहिए, ये बोलना चाहिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ पॉइंट ऑल्सो मैटर्स सर, अगेन क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी, वही चीज सर जो एसआरटी में हम बात कर रहे थे कि जो 60 SRT कराया कि सर उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि आपने कितनी बार बोला, उन्होंने उन्हें ये फर्क पड़ता है जो आपने बोला तो उसमें आपने वैल्यू क्या ऐड करी। करेक्ट, अगेन क्योंकि सर मेरा बहुत, मैंने बहुत ज्यादा नहीं बोला सर, मैंने लाइक दो या तीन मतलब ऐसे दो या तीन पॉइंट ऐसे रखे, फिर उसके बाद मैं मोस्टली चुप ही था क्योंकि जब मुझे सर अगर मेरे पास कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं ऐड करने का तो सर वही वाली चीज है कि मतलब अगर मैं सोचूं और क्या कहते हैं और मैं बोलूं और मैं बोल के मैं सेम चीज रिपीट कर दूं तो वही वाली चीज हो गई कि बस खामखा बोल रहा हूं यूज़लेस, वो बस तुम नाम के लिए बोल रहे हो, वही है। सो अगेन ही सेड ही हैड 3 to 4 वैलिड पॉइंट्स और 2 to 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इसने रखे अच्छी तरीके से बोला जितना इसको पता था, ये नहीं कि 15 किसी का लेट टेस्ट नंबर दिस वो जीडी को मैनेज करने लगे। वैसे हाँ, जीडी को मैनेज करने वाले बच्चे थे, अरे लेट टेस्ट नंबर 36 स्पीक, लेट टेस्ट नंबर 26 स्पीक, ऐसे थे। सर देयर वाज दिस वन गाय, तो उसने उसके सर मतलब कुछ उसने बोला नहीं, पॉइंट रिपीट कर रहा है, मैं उससे ज्यादा बोल कर बैठ चुका हूं अभी तक, अब डिस्कशन चल रहा है तो वो एकदम बीच में ऐसा आ गया बिल्कुल, वेट 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 गाइस, सारे चुप देखने लगे मेरी तरफ इशारा करके कहता है लेस चेस्ट नंबर 16, पहले मैंने उसको यूं देखा क्या कह रहा है फिर मैंने सोचा कि चलो अपॉर्चुनिटी, फिर मैंने कहा ओके थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी बोल लो वेट, ये अच्छा था वेट, ऐसे बहुत सारे ऐसे और कोई थे एसएसबी के अंदर सर? ये हमारे ग्रुप में तो सर एक ही था, लाइक सर हमारा कंपैरेटिवली पूरा ग्रुप अच्छा था सिर्फ, लेकिन उसमें एक बच्चा था तो जिसको हम ना जब रात को बैठे हुए बातें कर रहे होते थे, हम सारे सोचते थे कि ये बंदा स्क्रीन इन कैसे हो गया सिर्फ मतलब हमें ऐसा लगा सर कि ना असिस्टेंट्स को ऐसा लगा कि हम लोग बिना फोन वगैरह के बोर हो जाएंगे तो वी ऑल्सो नीड सम एंटरटेनमेंट ओवर देयर। सही है, ठीक है, चलो असेसर्स ने कुछ देखा होगा वेरी श्योर। तो उसके बाद जीटीओ के अंदर ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर 8, जीपी तुमने मुझे बताया, हाँ पीजीटी एचजीटी कैसे रहे, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क? सर पीजीटी में हमारा पहले बस बहुत क्या बताऊं मैं सर, कैसी याद है सर, जीटीओ में सीधा एकदम ही बोलता आर यू गाइस बंच ऑफ अ मोरन क्यों मतलब ये तो इंटरेस्टिंग कहानी है, क्यों मतलब थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे, यहाँ तक बंच ऑफ मोरॉन्स तक कैसे पहुंचे जीटीओ साहब, वो बैकग्राउंड तो दे। तो सर हमें हमें उन्होंने बताया कि सारे रूल्स बता दिए कि कहाँ आप पट्टा रख सकते हो, कहाँ नहीं रख सकते, कहाँ आप हाथ रख सकते हो, सारी चीजें बता दी। तो उसमें क्या होता है कि हमने एक कंप्लीट कर लिया, हमने दूसरा भी जैसे तैसे मतलब रगड़ के कंप्लीट कर लिया, और वो भी सर क्योंकि जीटीओ काफी लीनियंट हो गए थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा ठीक है यार कर लो तुम जाओ। फिर थर्ड टाइम पे उन्होंने कहा कि हम वहाँ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं बहुत देर हो गई, तो कह रहे अच्छा स्ट्रक्चर बन गया तो तुम क्या करोगे? सबने कहा सर हम क्रॉस कर देंगे। कह रहे कितने क्रॉस कर सकते हो? सबने कहा सर एक छोड़ के सारे क्रॉस कर देंगे। तो उसमें सर ने कहा कि मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें और तुम क्रॉस कर जाओ बिना स्ट्रक्चर के, और जो एक छूटना है वो एक छूट जाओ पीछे, वो तुम डिसाइड कर लो कौन छूटेगा।
तो ठीक है, उसमें पीछे मैं रह गया था उसमें। जब भी ऐसी सिचुएशन हुई तो आई वॉज द वन जो हमेशा पीछे रहा उसमें। मैंने कहा कि तो मुझे ऐसा लगा कि ये पॉइंट भी ऐड हुआ है मेरा। तो सर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद सब बच्चे आगे चले गए, और उसके बाद फिर उसके बाद भी वही दिमाग लगा रहे उसी स्ट्रक्चर पे कि उस वो वाला स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट करना है। जीटीओ कह रहा है कि तुम आगे आ गए हो, तुम आगे देखो, आर यू गैस बंच ऑफ मोर। सही है, अगर थोड़ी सी फायदा हो रहा है वो नहीं देख रहे, आगे पे कॉन्सेंट्रेट ही कर रहे हैं। ओके, फिर आगे क्या हुआ? सर तो ऐसे हमारा वो हो गया था, पीजीटी कंप्लीट हो गया उसमें, मतलब तीन चार ही लाइक पीजीटी में तीन कौन करे सा हमने, ऑब्स्टिकल तीन था, मतलब कौन से तक पहुंचे तुम, कहाँ तक करे थे? सर, तीन तीन सर, तीन तक पहुंचे थे, अच्छा। कंप्लीट करे और फिर एचजीटी में कैसा रहा? सर। एचजीटी में जो हमारा जो मतलब ग्रुप बनाना था, उससे पहले हमने सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि पीजीटी में जो हम गड़बड़ कर रहे थे, हम पीजीटी में ना हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया और हम एकदम घुस रहे थे उसमें बिना देखे क्या है क्या नहीं है। तो एचजीटी में हमने ना सर टाइम लिया अपना, हमने कहा पहले स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि क्या है, किस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, किस चीज को कैसे यूज नहीं कर सकते। तो हमने ना काफी ज्यादा टाइम हमने स्ट्रक्चर स्टडी करने में निकाला हमने एचजीटी में वहां पर। फिर उसके बाद एचजीटी तो इस चक्कर में ना सर हमारा इजिली हो भी गया था। हमने स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया, हमने पॉसिबिलिटीज बना ली कि एक दो स्ट्रक्चर ऐसे बन सकते हैं, तो हमने दो स्ट्रक्चर ट्राई करे, हमारा एचजीटी कंप्लीट हो गया था उसमें। कोई था वहां पे जो बार बार बोलता है कैंटिलीवर बनाओ कैंटिलीवर बनाओ, कोई था? नहीं सर, चल नहीं ठीक सर, ठीक इसमें ऐसे नहीं मिला। है। तो वहां पर कोई था जो डेड वेट नहीं उठा रहा था, फट्टा बल्ली उठा के खड़ा हो गया था, कि सबने और नॉर्मली चीजें पकड़ी थी? नहीं सर, जिसको जो कैसे काम कर रहा था ना सर, इसमें ना सर मैं जो हमारा ग्रुप था, हमारा जो रूम था सेम, तो सर इसमें सर आई वाज वेरी लकी। लाइक मैं सर आई वाज स्कैर्ड कि जैसे आप बताते हैं ना क्लास में कि बाबा मिलेंगे ये करेंगे, मैं कहा देखो क्या होता है क्या नहीं। तो लेकिन सर हमारे में ऐसे थे कि लाइक अगर बच्चे कुछ करके आए, जैसे कमांड टास्क कुछ कर आए और उनसे वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आके हमसे डिस्कस कर रहे थे जिनका आने वाला है कि यार मेरे से ना ये गड़बड़ हो गई थी, तो ये गड़बड़ मत करना। मतलब हम वी वर लाइक हेल्पिंग ईच अदर आउट कि ओ वेरी कैसे हम नाइस, कर सकते हैं तू सीरियसली बहुत इस लकी तरह। था, ऐसे मिलते नहीं है, गलत गाइडेंस वाले ज्यादा मिल जाते हैं। यू आर रियली लकी कि इतने अच्छे बैच मिला तुमको, बिकॉज अगर तुम्हारा ग्रुप बहुत अच्छा होता है तो वो तुम्हारे प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करने में और रिकमेंडेशन रेट को, दोनों को अच्छा करने में बहुत हेल्प करता है। ये तुमने काफी देखा? सर, मतलब वो जो चीजें जिसको पता थी सर बता रहे थे सर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सर क्या कहते हैं कट नेक कॉम्पिटिशन है, क्योंकि कोई सामने वाला गड़बड़ इंटरव्यू में भी कर कर आता, वो कहता है यार मेरे से ना ये ब्लंडर हो गया, तू मत करना है वाली चीज, वो खुद करेक्ट आके ये चीज आके एकदम बोलते थे। करेक्ट। तो आयाज लकी है, तुम हो ना हो वो नहीं पता, ठीक है? आयाज तो मोस्ट डेफिनेटली लकी, इतना बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है, खासकर फ्रेशर्स के बैच में तो हो जाता है। रिपीटर्स के अंदर जो बच्चे, आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो रिपीटर्स रह चुके हैं एसएसबी में, आपको पता ही है कि वहां पर एक अलग चलती है। तो तुम्हारे साथ कोई रिपीटर्स बैच भी चल रहा था? सर रिपीटर्स भी थे सर, रिपीटर्स में भी सर हमारे काफी अच्छे थे। लाइक हम ना रोज शाम को वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे थे, हम रिपीटर्स से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो उसमें एक था जिसने मतलब 7-8 बार दे चुका था, तो मैं बैठा वैसे ही डिस्कशन कर रहा था उनके साथ, तो वो कहते, वो पहले कुछ बोलने लगे मेरे से, वो एकदम चुप हो गए, कहते यार देख मैं 7-8 बार हो चुका हूँ, मैं दे चुका हूँ ठीक है, अब मैं तुझको कुछ एडवाइस दूंगा, मैं कुछ अगर मैं तुझे ऐसा बताने वाला होता कि जिससे सिलेक्शन हो रहा था मैं ही ना हो जाता, मैं तुझे एडवाइस भी दे रहा होता बैठा बैठा। कह रहे और कह रहा तेरा फर्स्ट टाइम पे, और मान ले तेरा हो जाए लकीली और तू निकल गया, तो कहते तेरी एडवाइस की ज्यादा वैल्यू है ना, तो वो एकदम ये चीज बोले। मतलब रिपीटर्स भी काफी अच्छे थे, मतलब वेरी नाइस यार, बहुत ही अच्छे। बहुत बहुत अच्छा मैच मिला तुम्हें, बहुत ही अच्छा। होपफुली बाकी कैंडिडेट जो एसएसबी जा रहे हैं आपको भी मिले, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, बट मिले तो बहुत अच्छा है। तो इसके बाद एचजीटी कमांड टास्क तुम्हें टफ लगा अपना, कितनी देर में खत्म करा? सर कमांड टास्क मेरा टफ नहीं था, बस मैं थोड़ा सा डम्ब हो गया था उधर पे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे। ते कैसे कंप्लीट तो हो गया था सर, कि जैसे मैंने वो सर ने कहा कि आप बुलाओ कितनों को बुलाओगे, तो मैंने दो बुलाए, तो सर ने पूछा कि दो ही क्यों बुलाए और क्या रीजन है, इन्हें ही दो को क्यों बुलाया, ये पूछने के बाद तो जो मेरा स्ट्रक्चर था सर, मेरा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनना था, एक एक सेम स्ट्रक्चर आगे बनना था, सेम स्ट्रक्चर पीछे बनना था। तो मैंने आगे तो स्ट्रक्चर बना दिया वाला, तो अब मैंने अपने मतलब अपने फेलोज को भी पार करा दिया, तो अब मैं इस साइड रह गया था। तो अब सेम स्ट्रक्चर उस साइड बनना था, लेकिन ना उस टाइम मेरा दिमाग ही नहीं चला, तो मैं वहां पे क्या बनाऊं सर, मैं यहाँ ऐसे रोप बांध के ना ऐसे मैं यहाँ फिट कर दूंगा, मैं यहाँ ऐसे कर दूंगा, ऐसे जीटीओ मुझे ऐसे ही देख रहा है। अच्छा ठीक है। तो लकीली जो स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आया था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक, बट इट वॉज लाइक डुएबल स्ट्रक्चर।
ऐसा नहीं था कि हो नहीं सकता था. तो उन्होंने कहा कैसे करोगे, मैंने कहा सर ऐसे से करूंगा. सर आई वॉज वेरी लकी, उन्होंने ये नहीं कहा कि करके दिखाओ, क्योंकि सर मैं पूरा रोप वगैरह बांधता बहुत मुश्किल हो जाता. तो चलो ठीक है ओके जाओ. सही है सही है. और FGT फाइनल ग्रुप टास्क नॉर्मल था तुम सबको कि कुछ था? फाइनल ग्रुप टास्क भी सर लाइक स्टार्टिंग में ना हमसे हो नहीं पा रहा था. वहां पे भी GTO का भी हमारे पे वहां पे भी कमेंट आया था हमारे पे फाइनल ग्रुप टास्क पे. तो हम ना हमारा कोई स्ट्रक्चर बन नहीं पा रहा था. तो हमने किसी ने एक आइडिया दिया कि ना एक काम करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं रोप बांध के ना, वो काइंड ऑफ स्विंग हो जाएगा तो शायद हम क्रॉस कर पाए. करेक्ट करेक्ट. तो हम उस पर ट्राई करने लग गए. तो GTO बहुत देर तक देखते रहे देखते रहे देखते रहे, कहते हैं What are you guys doing? You have such a beautiful structure out there and you are playing seesaw over there. और सर पहले हमने ये चीज सुनी और ना और सर हमारे सबके जो ऐसे ब्रेन ऐसा तेज दौड़ा है ना स्ट्रक्चर के बाद, हमने 5 मिनट में सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट. सही है लास्ट के अंदर फिर वो एंडिंग में तो वो GTO ने तुम्हें वो बताते होंगे ना कि अगर फौज में नहीं हुआ है दिस इज नॉट मेंट फॉर यू, ये सब बताया था एंड में? यस सर यस सर, ये एंड में भी डिस्कशन चला था, कह रहे थे वही वाली बात चली थी, कहते कि सबकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है कि यू माइट थिंक कि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो या मतलब किसी भी डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हो, बट हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी वैसी हो ही ना या आप ज्यादा बेटर किसी और चीज में परफॉर्म कर पाओ. कहते प्लस अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हो, आपको यहीं जाना है, तो कहते यू आर वेलकम लाइक एज मेनी टाइम एज यू कैन कम. करेक्ट. कॉन्फ्रेंस कितनी देर चली तुम्हारी? सर मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स. 40 मिनट्स? यस सर. 40 मिनट्स क्या क्वेश्चन पूछे तुमसे? सर जो हमारा वाला बैच था 8 बच्चों की कॉन्फ्रेंस पहले दिन हो गई थी, थर्ड डे हो गई थी, और सिर्फ हमारी ही थी और किसी की हुई नहीं थी. तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था कि कॉन्फ्रेंस में टाइम लगता है, उस टाइम तक मुझको नहीं मालूम था. तो सब जा रहे थे 20-20 सेकंड में बच्चे सर बैठते थे वापस आ जाते थे. और सर मुझे उन्होंने बाहर बैठा के, मैं वहां बाहर बैठा हुआ, मेरे से सामने वाला जो चला गया सब चले गए, मैं वहां बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ बुलाएंगे, बहुत टाइम हो गया. फिर मैंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी 1 मिसिसिपी 2 मिसिसिपी और मैं 1000 तक पहुंच गया काउंट करते करते. मैं कह सर क्योंकि किसी तरीके से तो वेट कंप्लीट करना है अपना. जैसे फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया एंड सर किसी से भी प्रेसिडेंट सर ने बात नहीं करी थी एंड लाइक आई वॉज द ओनली वन जिससे प्रेसिडेंट सर ने बात करी थी. तो इतने में मैं सर मैं काफी एकदम नर्वस था. मैंने कहा इतनी देर वेट कर रहा हूँ, मैं 20-25 मिनट से बाहर वेट कर रहा हूँ, अभी तक बुलाया नहीं. अब मैं अंदर उसके गुक गुक कर रहा हूँ, इतने में सर प्रेसिडेंट सर कहते एकदम गुड इवनिंग आज यू आर सेइंग मॉर्निंग इट्स इवनिंग ऑलरेडी सिट डाउन ओवर देयर. मैं ऐसा हो गया कि क्या चल रहा है ये. तो सर मेरा सर वो मिनी इंटरव्यू हुआ वहाँ पे कंप्लीट. अच्छा. और सारा प्रेजेंट सर ने लिया कि मतलब आपने सर आई हैव मेड सम फिल्म्स शॉर्ट फिल्म्स तो उसके बारे में बात करा कि किस बारे में मैंने फिल्म्स बनाई है. तो लाइक माय फिल्म वाज ऑन एजुकेशन सिस्टम. तो उन्होंने कंप्लीट कि क्या फ्लॉज मुझे एजुकेशन सिस्टम में लगते हैं, किस बारे में मैंने फिल्म बनाई, कैसे करा मेरा. फिर सर जैसे मेरा जर्नलिज्म बैकग्राउंड है, फिर उन्होंने मेरे से जर्नलिज्म के क्वेश्चन पूछे. सर उस पर्टिकुलर टाइम पे सर अर्नब चैट लीक्स हुई हुई थी जब चला था. तो उन्होंने मेरे से कहा कि कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि जर्नलिज्म में पेड जर्नलिज्म होता है या नहीं होता. तो सर मैंने वहाँ पे वही अगेन मैंने किसी का नाम मेंशन नहीं करा. मैंने कहा सर अभी भी सर इफ देयर इज अ स्मोक देयर इज अ फायर एंड वी कैन सी कि यहाँ पे भी अभी कुछ चैट लीक्स हो रही है, किसी पे सवाल उठते हैं, कभी किसी पे सवाल उठते हैं. तो मैंने कहा सर कुछ तो है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी खराब पहुंचे हैं वहाँ पे, मतलब कुछ तो गड़बड़ चली रही है वहाँ पे. करेक्ट करेक्ट. तो उन्होंने कहा कि मतलब आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप क्या कर रहे हो. तो उन्होंने मेरे इनपुट्स लिए उस पे. फिर उन्होंने उसके बाद मेरे से कहा कि सर कहते इजी तो नहीं है. फिर सर वो बार बार ना वही वाली चीज मेरे एथिक्स पे काफी सवाल करा. मेरे GTO में एथिक्स मेरा चेक हुआ, मेरे इंटरव्यू पे काफी हुआ. फिर कॉन्फ्रेंस में भी सर मेरे से प्रेसिडेंट सर कहते कि लेकिन इजी तो नहीं है ना ये काम करना, कि आप कह तो रहे हो हम आपकी बात मानते हैं कि एथिक्स होने चाहिए, लेकिन इजी तो बिल्कुल भी नहीं है जर्नलिज्म में, आप बिल्कुल एथिक्स पर काम कर रहे हो. तो फिर उस पर भी मैंने ये कहा सर इफ इट वुड हैव बीन इजी लाइक एवरीबॉडी वुड हैव डन इट. तो यही वाली सारी चीजें बात चल रही थी. तो काफी लंबी मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी सर. और सर इसके बाद मैं फेमस हो गया. तेरी सारी कॉन्फ्रेंस इसी जर्नलिज्म पर थी? जर्नलिज्म पे थी सर, फिल्म्स पे थी मेरे, उस पे थी कि
अगर जैसे मैंने एजुकेशन के ऊपर फिल्म बनाई थी तो उसके ऊपर थी कि मतलब मेरे पास मेरी लाइफ में क्या इंसिडेंट रहे जो मुझे लगा कि एजुकेशन सिस्टम फ्लॉड है हमारा, उस चीज के सही ऊपर थी। और फिर काफी जो मैं सर उस टाइम आई वाज वर्किंग इन पब्लिक रिलेशन, इंटर्नशिप कर रहा था, तो उस पे था कि क्या इंटर्नशिप में क्या काम कर रहा हूँ कैसे है। प्लस 12th के बाद से मैंने मतलब कभी ऐसा रहा नहीं कि सर मैं घर पे खाली बैठा हूँ, कभी मैं फ्रीलांसिंग प्रोडक्शन में काम करा, ट्यूशन पढ़ रहा है, इंटर्नशिप वगैरह मैंने हमेशा मतलब ऑप्ट करी। तो उसके बारे में पूछा कि मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, क्या पढ़ाया, कैसे करा, तो इस सारी चीज पे। ओह वेरी नाइस। तो काफी एक्सपीरियंस है आयाज का। आप देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा था और रिपीट हुआ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस यस में? सर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने सर जो वही एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वही बात चल रही थी, तो उसमें उन्होंने मेरे सर 11th 12th में ना, 12th में जो मतलब मेरे प्रैक्टिकल के एक्सपीरियंसेस थे वो काफी अच्छे नहीं थे। लाइक मुझे ऐसा लगा कि टीचर्स ने मतलब अपनी ड्यूटी कंप्लीट नहीं करी उधर, और वहाँ पे काफी कमी रही। तो वही चीज मैंने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बोली, और फिर सेम चीज प्रेसिडेंट सर ने मेरे से पूछी कि आपको क्या लगा, क्या एक्सपीरियंस है आपके 12th में, क्या मतलब आपको क्यों फ्लॉड लगता है आप, सब मेरे से सारे उन इंसिडेंट्स के बारे में बात करी उन्होंने। ठीक है। तो आयाज, तुम्हारी मास्टर्स जामिया से हो रही है, स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, गवर्नमेंट अच्छा। स्कूल दिल्ली में ही। और ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन सर आईपी यूनिवर्सिटी। आईपी यूनिवर्सिटी, ठीक है। चलो, तो ये आयाज ने बताया कि भैया 40 मिनट कॉन्फ्रेंस काफी लव, मतलब ये तो ऑलमोस्ट इंटरव्यू हो गया। और यहाँ पर भी आप देखिए, SSB is again checking इसके एजुकेशन से लेके एवरीथिंग, जिस पर भी उनको डाउट रहा होगा। तो काफी सारी चीजें उन्होंने आयाज से दोबारा पूछी। आयाज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना लंबा कॉन्फ्रेंस चलेगी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, पांच क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं था। मुझे सबने बताया कि कॉन्फ्रेंस चलती है मिनट 30 सेकंड, वो कहते हैं 30 सेकंड 1 मिनट, बहुत ज्यादा हो गया तो 7-8 मिनट, इससे ज्यादा तो चलती ही नहीं कॉन्फ्रेंस। और मेरे से सामने वाले भी सर ऐसे ही होते थे, एक मैं जाके कुर्सी पे बैठा अगले का नंबर आ गया, मैं अगली कुर्सी पे बैठा अगले का नंबर आ गया, तो इतनी देर में सबका हो ही रहा था। तो और मेरा सर चला इतना लंबा चला, तो मैं ऐसा हो गया क्या चल रहा है मेरे साथ, मतलब दोबारा इंटरव्यू के ले रहे हैं मेरा ये। ठीक है। तो उसके बाद तो आयाज सर बोलो लाइक मैं बोलो। ऐसे काफी फेमस हो गया था सर, ऐसे पूरे बैच में सर हर कोई आके, जैसे मैं अपने बर्तन धो रहा हूँ तो देखे, अच्छा यू आर चेस्ट नंबर 16, मैं कहा क्या मतलब तो हर कोई आके रूम में आके मिलके जा रहे हैं, तो चेस्ट नंबर 16 कौन है, अच्छा तेरी कॉन्फ्रेंस इतनी लंबी चली है, बहुत सही बढ़िया। है। अब इसके बाद चेस्ट नंबर 16 आयाज जरगम, 1FSB देहरादून। अब ये YouTube पे भी पॉपुलर हो जाएगा, इनकी कॉन्फ्रेंस 40 मिनट चली थी। ठीक है। अब यहाँ पर ही मैसेज हो गया, सर हमें बताओ कि क्या बोलना चाहिए। ठीक है। तो आयाज ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा, जहां पर वो गलत रहे, जहां पर वो सही रहे, और पूरी चीजें इन्होंने कंप्लीट करी। तो आयाज, एक चीज, अगर तुम अपने नेक्स्ट SSB में कभी भी जाते हो, तो वॉट आर मोर थिंग्स विच यू विल वर्क अपॉन, जो तुम्हें लगता है कि इस SSB में मैं और भी बेटर कर सकता था, तो कौन से फैक्टर्स पे और काम करोगे अगर करोगे तो? सर एक तो सर मुझे ना क्या कहते हैं, मेरा GS काफी वीक है, मतलब करंट अफेयर्स से लेके बहुत ज्यादा वीक है, मतलब इसमें मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि सर आपने कहा था कि करंट अफेयर्स जैसे मैं हम्बल हो रहा था, सर आई वाज नॉट बीइंग हम्बल उधर के, बस वो चीज थी, 2-4 टॉपिक तो मुझे पता था कि आएंगे आएंगे मुझे, तो आई वॉज रेडी फॉर देम, बट करंट अफेयर्स मेरे काफी वीक है, तो उधर मुझे थोड़ा सा उस पर स्ट्रॉन्ग करना है अपना एरिया। प्लस सर अभी तक तो मुझे यही लगा, प्लस ठीक है। तो वही तो है, करंट अफेयर्स, सिक्योरिटी अफेयर्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बार बार सिक्योरिटीज बोलता सर रहता आपका तो वो तो सर उन्होंने पूछा नहीं था सर, बट आई वाज रेडी। अगर मेरे से ये, मैं सर CAPF में अभी 2020 एग्जाम हुआ था ना CAPF में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, मैंने कहा आओ बैठो बात करते हैं तो हूँ। तो वही है, वो मुझे काफी सारे बोल रहे हैं सर कि सर हम कोर्स करके जाते हैं वहां पर, हम पहली लाइन बोलते हैं सिक्योरिटी के, फिर वो सवाल ही नहीं पूछते हमसे कुछ। ठीक है। मैंने कहा चलो, एनीथिंग विच वर्क्स फॉर यू। तो रियाज ने अपना काफी सारा डिटेल्ड में एक्सपीरियंस शेयर करा हमारे साथ, विच वुड बी बेनिफिटिंग ऑल दी एस्पिरेंट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दी SSB। रियाज, ऐसी स्पेसिफिक कोई टिप्स और ट्रिक्स जो पूछते हैं, ट्रिक्स तो मुझे लगता नहीं, कोई स्पेसिफिक टिप जो तुम देना चाहोगे कैंडिडेट्स को? सर। नो मैटर कैंडिडेट्स को क्या लगता है कि कितनी छोटी पॉइंट है, बहुत ज्यादा ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है या बहुत ज्यादा ट्रिवियल इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको फॉलो करना है। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि आपको सोना है फॉर्मल पहन के, तो आप सो फॉर्मल पहन के।
कि आप उस पर ये मत सवाल करो कि क्या रीजन है क्या नहीं, क्योंकि कई बार चीज हुआ उन्होंने कहा कि आपका मास्क नीचे नहीं आना चाहिए डिस्कशन टाइम पे, काफी बच्चे थे जिनका मास्क यहाँ तक आ जाता था, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था, तो उन्होंने कई और उसमें मतलब क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जब वो आपको असेस कर रहे हैं ना, ये चार चीजों में असेस नहीं कर रहे कि साइक में असेस करा, जीडी में असेस करा, वो आपने जैसे ही रूम में एंट्री हो, क्या कहते हैं, आपने गेट में एंट्री करी, आप उस टाइम से आप असेस होने शुरू हो गए, जब तक आपका रिजल्ट आ रहा है तब तक आप असेस हो ही रहे हो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो अपने रूम में बैठा हूँ तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, या मैं किस तरीके से वहाँ पे खाना खाते हुए किस कैसे बिहेव कर रहा हूँ। क्योंकि सर जैसे मेरे साथ ये रहता था कि अगर मैं रूम से कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपना सारा बैग वगैरह नीचे सेट करके, अपना बिस्तर सेट करके, मतलब कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना बिस्तर वहीं छोड़ दिया कि आके कर लूंगा या बाद में कर लूंगा। तो आप एक एक छोटी छोटी सी चीज है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर आप इंटरव्यू ऑफिसर के सामने सामने बैठे हो तो वो आपको देख रहा है कि कैसे इंसान है। ठीक है, तो as Ayaz has told कि you are being watched and definitely you are being watched. इसका पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ SSB में दिखावे के लिए जा रहे हैं तीन असेसर के सामने, बट रियल लाइफ में आप कुछ और है, तो सूनर देन लेटर आप पकड़े जाओगे, ठीक है, किसी ना किसी टेस्ट के अंदर आप पकड़े जाओगे. सो दोस चेंजेस शुड बी इनहेरेंट इन योर सिस्टम, दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग. तो Ayaz ने अपना 1 AFSB देहरादून AFCAT का पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा. अभी Ayaz CAPF 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. वी ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड दैट ही क्लियर्स दैट रिटन एग्जामिनेशन. So anything else जो Ayaz तुम बोलना चाहोगे बाकी सारे कैंडिडेट्स को before we close the video call? Sir, मुझे जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अभी मेरा मेडिकल में थोड़ा अटक गया उसके बाद, तो ये वाली चीज है कि सर कि आप अपने काम पे ध्यान दो, मतलब ठीक है हमारा ये हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम फाइनली कहाँ जा रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन बट इट इज अबाउट द जर्नी यू आर इन इट. So again, it's about the journey, not about, maybe it's about the destination, not about the journey. Correct, bol raha hu? It's not about the destination, sir. Like it's destination, not, sir, we cannot decide. It's about the journey. Sorry. Galat bol diya maine. Theek hai. So, Ayaz ne jo aapko bol raha hai ki eventually what will matter is that you continuously start focusing on the test and eventually there would be a point that success would finally be coming to you. Agar aapka sara focus sirf रेकमेंडेशन के ऊपर रहेगा तो जर्नी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप सारे के सारे टेस्ट उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे. बट अगर आपका फोकस OIR, PPDD, साइकोलॉजी, GDU इन टेस्ट पे रहेगा और इन टेस्ट पे परफॉर्म करने पे रिजल्ट विल अराइव. इफ द आर्म्ड फोर्सेस डजंट हैपन देन समथिंग एल्स विल हैपन, कोई ना कोई चीज होगी, बट कंटिन्यूस मेहनत करना दैट इज एग्जैक्टली इन योर हैंड. तो Ayaz थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग ऑल दिस नॉलेज विद अस, एंड ये सारे कैंडिडेट्स के बहुत काम आएगी जो अलग अलग अपने SSBs के लिए जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच Ayaz. जय हिंद. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर.